हेलो दोस्त, रेलवे प्रीवियस ईयर प्रश्न यानी हिंदी में बोल रहे हैं, इंग्लिश में बोलते तो क्वेश्चन, तो जितने प्रश्न बात करेंगे हिंदी में बात करेंगे। और ये आरआरबी एनटीपीसी 2019 एग्जाम का टेस्ट सीरीज नंबर 3 है, जो फुल स्ट्रेंथ में 100 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें आरआरबी एनटीपीसी 2015 का क्वेश्चन पेपर है। इसमें 9 अप्रैल 2016 सेकंड शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, उसको प्रश्न लेके आएंगे एंसर की के साथ और उसको सोल्व करेंगे। कैसे प्रश्न को सोल्व करना है, कितने हमें इस प्रश्न को सोल्व करना है, सारा टेक्निकल टर्म में लेंगे, यानी फुल जीएस मैथमेटिक्स रीजनिंग जितने टाइप के प्रश्न आते हैं, इवन करंट अफेयर की भी प्रश्न शामिल करेंगे। तो कुछ लोगों का सवाल आया था जो पहले जो दो वीडियो में कि ये एनटीपीसी ग्रुप डी जेई या और भी एग्ज़ाम के लिए अप्लीकेबल है क्या, पैरामेडिकल और भी जितने के हैं। तो दोस्त, रेलवे का प्रीवियस ईयर पैटर्न क्वेश्चन देखेंगे तो देखते ही आपको पता होगा सारा इसमें टेक्निकल टर्म है और सारे प्रश्न ए से डेट तक आपके स्टैंडर्ड हैं। तो इस स्टैंडर्ड को हम आगे ही बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड प्रश्न किसी भी प्रश्न और किसी भी एग्ज़ाम के लिए इक्विवेलेंट होता है। हो सकता है वैल्यू थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, लेकिन प्रश्न का पैटर्न सेम रहेगा। तो चलिए, 100 क्वेश्चन के साथ 9 अप्रैल सेकंड शिफ्ट के लिए बात करते हुए आपके साथ बढ़ते हैं। और एक ज़रूरी सूचना और इम्पोर्टेंट, जिसमें टेस्ट सीरीज नंबर ये 27 है, इससे पहले 26 हो चुका है। टेस्ट सीरीज नंबर आपका कितना, 25 और 24 दोनों एनटीपीसी का फुल स्ट्रेंथ है, और बाकी आपके रेलवे जेई एग्ज़ाम, ग्रुप डी एग्ज़ाम और एग्ज़ामों का 25-25 करके टेस्ट लिया हुआ है, जिसमें जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस के प्रश्न है। तो चलिए, सारी चीज़ समझ गए होंगे, लेकिन टेस्ट सीरीज़ का लिंक कहाँ मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन में सारा रेलवे का प्रीवियस ईयर प्रश्न एक साथ आपको मिल जाएगा। तो चलिए, इसको बिना देरी किए हुए हम टेक्निकली टर्म करके हुए अपने एग्ज़ाम के पैटर्न पे आते हैं। तो एग्ज़ाम पैटर्न पे सबसे पहले आपको देखना होता है कि एग्ज़ाम है कब का। तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आप देख सकते हैं, आरआरबी एनटीपीसी 9 अप्रैल थर्ड शिफ्ट का एग्जामिनेशन है, हम उसको थर्ड शिफ्ट कर देंगे, सेकंड शिफ्ट बोला मैंने, थर्ड शिफ्ट है। और यहाँ पे आपका देखेंगे तो ये टाइम देखिए, 4 बजे से 5:30 तक, यानी 90 मिनट का क्वेश्चन और 90 मिनट टाइम 100 मिनट के क्वेश्चन को करने के लिए दिया हुआ था, 9/4/2016। तो चलिए, इस प्रश्न को हम बिना देरी किए हुए एक एक करके लाते हैं आपके साथ, शुरू से शुरू करेंगे। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 1 से आपके लिए शुरू करेंगे। तो प्रश्न संख्या 1 देखिएगा, जहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आंसर तो आपको कोई बता देगा सी है, लेकिन कैसे होगा इसको समझिएगा। x=7, y=4 और z=9 है, तो इनमें से कौन सा इक्वेशन चारों में सही है वो बताना है। तो इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए सिंपल सी बात है, x y z करेंगे तो 7, 4, 9 करेंगे, तो 7, 9, 11 और 9 कितने होते हैं, 20 होता है। पहला इक्वेशन आपका क्या है, सही है, राइट है। दूसरा देखिएगा, x - y, 7 - 4 = 3 प्लस जेड में आप जोड़ देंगे तो ये होता है 12, जबकि यहाँ 13 दिया हुआ है तो गलत है। उसी तरह अगर तीसरे में देखेंगे, x + y - z, x + y 7, 4, 11 और माइनस में जेड में 9 करेंगे तो आंसर आएगा आपका 2 नहीं कि 3। तो यानी दूसरा और तीसरा कथन गलत है। चौथा देखेंगे, -x है, -7 + 4 - 9 तो 9 और 7, 7 + 14 = 16 हो गया माइनस में, और जोड़ देंगे 4 तो आ जाएगा -12, बिल्कुल सही है। तो कौन कौन सही है आपके पास, देख लीजिए आपके पास, फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, ये कौन सा फोर्थ सही है, फर्स्ट और फोर्थ सही किस में है, तो आपका ऑप्शन सी में अवेलेबल है। तो ऑप्शन सी किस में है, 3 नंबर आंसर दिया हुआ है, 13, और 13 के जगह पे 12 रहता तो ये सही होता, 3 के जगह पे 2 रहता तो ये भी सही हो जाता। तो ऐसे प्रश्न हो गए, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, जिसमें आपका एक नॉर्मल से प्रश्न है धन राशि के लिए। तो इस प्रश्न को तो हम याद करके रखते थे, कभी भी ऐसे प्रश्न आए तो 2000 याद रखिएगा, जिसमें 2 वर्षों के लिए दिया गया है, किसके लिए, आपको 5% ब्याज पे, तो 200 रुपये ज़्यादा क्या है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। ओ सॉरी, यहाँ पे अंतर वाला नहीं है, प्रश्न कोई और है। तो यहाँ पे आप देखिए, एक और प्रश्न है उसको मेरे याद था। तो यहाँ एक धनराशि को निश्चित ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए निवेश किया गया, उस धनराशि का 5% के ब्याज दर पर निवेश किया गया है तो 200 रुपये ज़्यादा प्राप्त होता।
तो उस राशि को ज्ञात करना है। टाइम 2 वर्ष है और ब्याज 5% ज़्यादा कह रहा है, पहले जितना दिया हुआ है उससे 5% ज़्यादा होता तो कितना होता उसको बताना है। तो इस कंडीशन में हम प्रश्न से देखते हैं, तो आप देखिए आंसर से देखिएगा, 3000 का अगर 5% ब्याज से आप लगाते 5% से, तो इसका ब्याज अगर आपका 300 रुपये होता, लेकिन यहाँ पे कह रहा है 200 रुपये प्राप्त होता, तो 200 प्राप्त करने के लिए 3000 नहीं 2000 होनी चाहिए। 2000 × 5 गुना टाइम भी दीजिएगा 2 डिवाइडेड बाई 100, और इसे कट कट करेंगे तो भी 500 × 200 रुपये है, तो कौन सा आंसर है आपका 2000 होगा। हम ऑप्शन से ही इस प्रश्न को आंसर कर लेंगे। तो अगले प्रश्न में चलते हैं, तीसरे नंबर पे, दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है आपको नाम याद होना चाहिए। तो ये प्रोग्रामिंग आप जानते हैं चार्ल्स बेबेज, जिन्होंने कंप्यूटर के आविष्कार के नाम से जाना जाता है, इनके एक मैथमेटिशियन थे, मैथमेटिशियन उनको बोला जाता है पहला प्रोग्रामर दुनिया का। उनका नाम था क्या, एडा लोरेस। ये कौन थे, मैथमेटिशियन थे, और इन्हें पहला प्रोग्रामर माना जाता है जो कंप्यूटर का आविष्कार किए थे चार्ल्स बेबेज ने, इनके साथ इन्होंने काम किया था मैथमेटिक्स का। तो राइट आंसर बी हो गया। अगले प्रश्न में चलिएगा, अगला प्रश्न आपके पास है, ये अभी ऑस्कर से रिलेटेड है, किस देश की विदेशी फिल्मों में श्रेणी में आज तक अधिकतम ऑस्कर पुरस्कार जीता है वो बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, भारत की तरफ से नॉमिनी अभी तक बहुत फिल्मों में हो चुकी है, लेकिन केवल 3 को नॉमिनेशन मिला है, लेकिन 3 में से एक भी नहीं जीता है। लेकिन यहाँ पे इटली, फ्रांस, जापान, स्पेन का नाम है, ये सारे प्रमुख नाम है। तो ऑस्कर जीतने वाले में इटली का नाम अभी तक 14 है, फ्रांस का नंबर दूसरे स्थान पे है, 14 में है। तो सबसे ज़्यादा ऑस्कर जीतने के स्थान पे कौन है, इटली है राइट आंसर। फ्रांस के नाम पे 12 ऑस्कर का अवार्ड है फिल्म के लिए। तो चलिए अगले प्रश्न में, प्रश्न था बहुत अच्छा लेकिन डिफिकल्ट वाले थे। अगला प्रश्न कर रहा है, 30 वस्तुओं का क्रय मूल 40 वस्तुओं का विक्रय मूल के बराबर है, तो बिक्री की हुई वस्तुओं पर लाभ और हानि की परसेंटेज बताइएगा। तो ध्यान दीजिएगा, 40 वस्तु 30 वस्तु का क्रय मूल के बराबर है, तो हमेशा क्या होगा, हानि होगा, क्योंकि आपका क्रय मूल कम है और विक्रय मूल के टर्म में वस्तु की संख्या ज़्यादा है, तो कितना हानि होगा। तो 40 − 30 = 10। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, लोग कर देते हैं 10 हानि हो गया और 10 डिवाइडेड बाई यहाँ 30 करेंगे, क्योंकि क्रय मूल वस्तुओं का 30 दिया हुआ है, जो बिल्कुल गलत है, क्योंकि 40 वस्तुओं के विक्रय मूल के बराबर है 30 वस्तुओं का क्रय मूल। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे 40 रखना है, गुना में 100 करना है, इसे डिवाइड करेंगे तो 1 0 1 0 25 25, यानी 25% की हानि होगी। सीधा सा दिख रहा है रेशियो, कि अगर सिंपल सी भी बात करेंगे तो 25% हानि किस लिए है, कि 30 यानी 40, 40 में 10 का लॉस, तो 100 में कितना लॉस, 25 का लॉस। सिंपल सी बात है, 40 × 2.5 यानी कर देंगे तो आपका 100 ही आता है, तो राइट आंसर 25% का हानि होगा। अगले में है दबाव की इकाई, ये आपका फिजिक्स 6 प्रश्न है, दबाव यानी प्रेशर का SI यूनिट पूछ रहा है क्या होगा। तो सब लोग जानते हैं प्रेशर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हम लिखते हैं, तो क्या है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर इसका यूनिट है, सी आंसर हो गया। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, तो अगला प्रश्न है, नक्शे का अध्ययन क्या कहलाता है, नक्शा का अध्ययन को क्या कहते हैं। तो ये जानते ही हम लोग हैं, कार्टोग्राफी कहते हैं, नक्शे के अध्ययन को कार्टोग्राफी कहते हैं। ज्योग्राफी भूगोल जानते ही है, जियोलॉजी भी आप जानते हैं, लेकिन कैलीग्राफी नहीं जानते हैं, तो इसको याद रखिएगा, कैलीग्राफी को क्या बोलते हैं, आर्ट कला है रिलेटेड टू राइटिंग, लिखने की क्रिया, किसमें को क्या बोलते हैं, कैलीग्राफी बोलते हैं, और हमारा नक्शे के अध्ययन क्या बोलते हैं, कार्टोग्राफी। तो ये चारों को याद रखिएगा, अभी ऐसे प्रश्न अभी आजकल अच्छा रहे हैं। 7 नंबर के बाद अगले प्रश्न हमारे पास 8 नंबर आएगा। 8 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है, किस भारतीय राज्य में भारत की नेट सेवा लागू करने के लिए का फैसला किया है, जो ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से सभी ग्राम पंचायतों को कनेक्ट करेगा।
महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बताना है सिंपल से प्रश्न है। तो यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर का तमिलनाडु का ऑप्शन दिया हुआ है, बिल्कुल है। और ये पुराना आपका करंट अफेयर है, तो इसको छोड़ भी दें तो 2016 में जो लागू था 2019 में करंट अफेयर चेंज हो जाएगा। उसके बाद अगली बात करेंगे, हमारे पास है 9 नंबर प्रश्न, बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है जिसमें पूछ रहा है कि एक साइकिल का पहिया 44 किलोमीटर में 5000 चक्कर से पूरा करता है, तो पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। पाई बराबर दिया हुआ है आपको 22/7, तो पहले की त्रिज्या का मतलब परिधि आपको ज्ञान करना है। तो परिधि बराबर आप क्या लिखते हैं, परिधि बराबर क्या लिखते हैं, 2πr लिखते हैं, लेकिन परिधि यहाँ डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है। इसके लिए आपको क्या दिया हुआ है, 4400 दिया हुआ है, और इसको 1000 से हम कर देंगे तो ये 44000 होगा। लेकिन परिधि क्या होगी, 44000 को ट्रेवल करने में कितना चक्कर लगा रहा है, तो 5000 चक्कर, ये आ गया आपकी परिधि। और परिधि बराबर 2πr कर दीजिए, और IR वैल्यू निकालना है तो इसको आपको उल्टा करना पड़ेगा। तो 44 के गुना में 22 गुना में यहाँ पे 22/7 अगर 7 लिखें तो 44000 गुना 7 यहाँ से हो जाएगा और 22 गुना 2 नीचे में आ जाएगा। तो इसको हम एक बार लिख दें कि R बराबर कितना होगा, तो R बराबर हमारे पास डायरेक्ट एक फार्मूला आ जाएगा। R बराबर पहले लिखेंगे 44000 और 7, 22/7 नीचे था इसलिए 7 ऊपर, और नीचे में 5000 गुना में 2 गुना 22, 22/7 लिखे थे और 2 लिखे थे R, क्योंकि R क्या किसके साथ था, पाई के साथ, 2π के साथ, तो 2 यहाँ, पाई यहाँ, तो दोनों वैल्यू आ गया। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 3030 कैंसिल, 3030 आपका यहाँ से कैंसिल हो गया, और 22 दूना यहाँ से आप रखेंगे तो 22 दूना 44 हो जाएगा। दो बार में 2 से 2 कैंसिल और ऊपर से बचता है 7, तो 7/5 हो जाएगा। तो 7 किस में है, मीटर में है, क्योंकि हमने ये डिस्टेंस मीटर में लगाना है। इसको हमें क्या निकालना पड़ेगा, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में निकाल देंगे 7/5 को, तो 7/5 गुना 100, 5 × 7 = 20, यानी 140 सेंटीमीटर किसकी होगी, त्रिज्या होगी, आर होगी उस साइकिल की आपकी। अगर डी पूछ देता तो इसको हम 2 से गुना कर देते, 240 आ जाएगा, उसका डायमीटर 240 हो जाता। तो दोनों प्रश्न हमारे सोल्व हो गए। अगले प्रश्न हम 10 में चलते हैं, 10 नंबर प्रश्न को देखिए, कह रहा है इस प्रश्न में लॉजिक के अनुसार से देखना पड़ेगा आपको। कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में कितनी संख्या है जो 175 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। इस प्रश्न को सोल्व करने के लिए आपको एक लॉजिक बनाना पड़ेगा। लॉजिक मैं आपको बताता हूँ, एक को छोड़ दीजिए, यहाँ 75 है, 75 को एक से गुना कीजिएगा तो 75 आ जाएगा, 75 को 2 से गुना कीजिएगा तो आपके पास 150 आता है, 75 को 3 से गुना करेंगे तो आपको आ जाएगा 225, और 75 को 4 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 300। यानी ध्यान देने वाली बात है, जिस संख्या के अंतिम में आपको 75, 50, 25 और 00 मिले, वही संख्या इससे डिवाइडेड होगा। तो सबसे पहले देखिए, 500 75 से नहीं डिवाइडेड होगा, 75 875 में है, यानी 175 से ये डिवाइड हो जाएगा, एक संख्या हो गया। यहाँ भी 75 है, ये 2 हो गया, यहाँ 15 है, देखिए 915 आपके किस 75 को कितनी बार भी आप गुना कीजिए, 3, 4, 5 बार नहीं आएगा, यानी 975 नहीं होगा। यहाँ भी देखिए 25 है, 25 आपको एक संख्या में आती है तो 25 आपका डिवाइड हो जाएगा, तो यानी 3 बार हो गया। चौथा संख्या 50 है, तो चौथा का अगर 50 के बारे में करेंगे तो 50 आपका यहाँ पे होगा या नहीं होगा, तो चौथा आपका 50 हो जाएगा। और उसके बाद अगर देखेंगे एक और संख्या इसमें बच रही है, वो संख्या कौन सी है, तो 50 हो जाएगा ये चौथा संख्या के रूप में। पाँचवा 3325 है, नहीं होगा, 4335 है, नहीं होगा। तो कौन कौन संख्या आपसे डिवाइड हो रही है 75 से, तो 875 पहला, दूसरा 1575, तीसरा आपको 2500, और ये चौथा, यानी 4 संख्या डिवाइड होगा। बाकी देखिए, जिसके अंत में 25 है, 35 है, जिसके अंत में 15 है, और जिसके अंत में ये वाला 00 है, ये डिवाइड किसी कारण से 175 से नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या होगा,
चार होगा, ट्रिक्स अपनाना है 75 के मल्टीप्लाई के टर्म में। अगला है 11 नंबर प्रश्न, अगला 11 नंबर प्रश्न कह रहा है, सिंपल सी प्रश्न है लेकिन रीजनिंग का है। इस रीजनिंग के प्रश्न कह रहा है डी एफ का बेटा है, डी क्या है किसका बेटा है, एफ का, ये दोनों में ए रिलेशन है बेटा और पुत्र का या उसके बाद कह रहा है ई एफ का बहन है, ई एफ का बहन है, उसका बेटा ए है, किसका, ई का बेटा ए है यहाँ पे। उसके बाद कह रहा है बेटी एक्स है, बेटी का नाम एक्स नाम दिया है इन्होंने, ठीक है। अब कह रहा है उसके बाद अदि बी ए का मामा है, बी ए का मामा है, यहाँ से रखिए बी, यानी ई और बी आपस में भाई बहन है, क्लियर हो रहा है। अब पूछ रहा है इसके बाद कि तो डी और बी में क्या संबंध है, डी और बी में क्या संबंध है, तो सिंपल सी बात हो गया, डी और बी में ऐसा ऐसा है अगर ए और ई और बी ये आपस में तीनों क्या हो गए, भाई बहन, भाई के टर्म में, यानी भाई बहन के टर्म में यहाँ आ गए, यानी बी का भाई एफ और भाई का लड़का क्या कह सकते हैं आप, सिंपल सी बात है, नीचे के तरम में आएंगे तो भाई का लड़का क्या हो सकता है, भतीजा या भांजा, राइट आंसर। देखिए यहाँ से हमने डी से शुरू किया, ऊपर की तरफ गया, ये दोनों का रिलेशन एक ऊपर वाले में, यानी ये आपस में और ये आपस में, क्लियर। तो यहाँ पे आपका रिलेशन क्या हो जाएगा, डी का एफ के साथ, डी का बी के साथ, तो किसका साथ हो जाएगा, भांजा या भतीजा का, तो राइट आंसर बी हो गया, क्योंकि एफ का ये नहीं पता है कि ये मेल है या फीमेल है, इसलिए भांजा भतीजा दोनों है। अगले प्रश्न 12 नंबर, रेलवे से संबंधित रेलगाड़ियों के संबंध में संक्षिप्त नाम RLWL का पूरा फुल नाम क्या है, फुल फॉर्म नाम क्या है, तो WL तो सब लोग जानते हैं, विदाउट टिकट या वेटिंग लिस्ट, तो ये होता है वेटिंग लिस्ट यानी प्रतीक्षा सूची। अब यहाँ पे पूछ रहा है RLWL, तो प्रतीक्षा सूची आप कितने प्रकार से जानते हैं रेलवे में, तो पहला आता है GNWL, दूसरा आपका आता है PQWL, तीसरा आता है RLWL और चौथा आता है TQWL। ये सारा वेटिंग के प्रकार है, जनरल वेटिंग लिस्ट, पुल कोटा, पुलेट कोटा वेटिंग लिस्ट, आपका रिमोट का, देखिए रेलवे के लोकेशन में है, रिमोट रेलवे वेटिंग लिस्ट, रेलवे लिस्ट वेटिंग लिस्ट, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका यही वाला RNWL का पूछा है, अगर TQLW पूछता तो तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट होता है, तो अब यहाँ पे हमारा आर से है, आर से रिमोट होता है, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आर से रेलवे नहीं, रिमोट लोकेशन WL, यानी जो ऐसा लोकेशन पे है जो स्टेशन के स्टार्ट, यानी ट्रेन जहाँ से जर्नी स्टार्ट कर रही है, जहाँ तक आगे बढ़ रही है, वहाँ चार्ट नहीं प्रिपेयर होता, उस एरिया का लोकेशन आपका वेटिंग लिस्ट को रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट बोलते हैं, तो राइट आंसर आपका बी होगा। अगले प्रश्न में चलेंगे, 15 नंबर प्रश्न, जिसमें पूछ रहा है कि विज्ञान और अध्यात्म का योगदान के लिए यूरोपीय परमाणु संस्थान CERN द्वारा निम्नलिखित में किसे सम्मानित किया गया है, पहला है ग्यालांग वांग दुगदा, दूसरा दलाई लामा, तीसरा आपका है रिचर्ड्स और चौथा है सोचे स्प्रीफोक। तो ये 2015 का करंट अफेयर है और जो आज 2019 के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन उस समय दिया गया था ए को, ग्यालांग दुगदा को, तो यहाँ पे आप आंसर देख लीजिएगा, पहले में ज्ञान ए है, बिल्कुल है, 14 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है। 14 नंबर प्रश्न को देखेंगे आप ध्यान से, तो बिल्कुल सिंपल सा टेन का प्रश्न दिया हुआ है, टेन 210 डिग्री का ज्ञात करना है, क्या मान होगा, तो टेन 210 डिग्री को दो तरीके से आप लिख सकते हैं, थोड़ी सी इसको अलग अलग करके लिखेंगे तो और आसान हो जाएगा, तो यह हम एक बार लिख दें, टेन 210 को बराबर क्या लिख सकते हैं, टेन 30 प्लस 30 प्लस 180 डिग्री के टर्म में ये भी लिख सकते हैं, और जब आपको पता है इतना लिखेंगे तो ये 10 30 के बराबर हो जाएगा,
टेन थर्टी के बराबर हो जाएगा, और टेन थर्टी का मान जानते हैं कि रूट थ्री डिवाइडेड बाई थ्री होता है, और रूट थ्री बाई डिवाइडेड थ्री कीजिएगा इसको टर्म में, तो हो सकता है यहाँ रूट थ्री से गुना अगर करें, यहाँ करें, यहाँ रूट थ्री से गुना करें तो वन बटा रूट थ्री हो जाएगा, क्योंकि ऊपर का रूट थ्री हाफ है और नीचे का फुल है, तो हाफ रूट थ्री हो गया। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ये है, बिल्कुल सही है। उसके बाद अगले प्रश्न में चलेंगे। अगला आपका है 15 नंबर, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न बिल्कुल सिंपल है लेकिन बहुत लंबा करके दिया हुआ है, जिसमें पूछ रहा है 15 आदमी एक काम को 30 दिनों में करते हैं, परंतु 220 दिन बाद 15 आदमी और भर्ती कर लिया जाता है, तो बाकी काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, पहले 210 दिन तो 15 आदमी काम किए हैं, बाकी के कामों के लिए 15 आदमी नहीं, 15 प्लस 15 कितने आदमी काम किए, 30 आदमी किए, यानी हम कह दें कि 320 दिन का काम कितने आदमियों ने किया, 15 दिन का, बाकी बचे हुए 330 में 220 हम घटा दें तो 110 दिन का काम कितने आदमी ने किया है, 30 दिन में किया है, तो जल्दी ज़्यादा आदमी रहेगा तो काम कितने टाइम में होगा, आधे समय में, तो आधे समय में होगा, तो 110 को अगर आधा कर दे तो ये हो जाएगा 55 दिनों में, बाकी काम लोग कितने दिन में कर पाएंगे, 55 दिनों में, जो आंसर में आपको दिया हुआ है। ऐसे भी कर ले या और दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, यानी दूसरा तरीका अगर कह दे कि इन्होंने 2/3 काम कर दिया, क्योंकि 220 को अगर 110 से भागा दीजिएगा तो ये हो जाएगा 2 के बराबर, यानी एक काम का 2 भाग इन्होंने कर दिया 15 आदमियों ने, एक भाग को करने के लिए 30 आदमी लगे हैं, तो टाइम उसी हिसाब से कम लगेगा, तो 220 का कितना कम हो जाएगा, एक तो काम आधा है, आधा काम है तो जल्दी होगा, और आधा काम को भी करने के लिए दुगने आदमी है, तो 2×2=4 यहाँ से कर लीजिए, तो दुगने आदमी और आधा काम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 220 को अगर 4 से भागा करेंगे तो ये भी आ जाएगा आपका 55 दिन। जैसे करना है वैसे कर सकते हैं, अगले प्रश्न में कर लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है 16 नंबर, कह रहा है आदि एक पत्थर को नीता कहा जाता है, किसको कहा जाता है, पत्थर को नीता कहा जाता है, नीला है सॉरी, एक बार इसको बड़ा कर लेते हैं आप, हाँ, अगर पत्थर को नीला कहा जाए, नीले को पानी कहा जाए, पानी को पेड़ कहा जाए, पेड़ को बेग कहा जाए, और एक यहाँ पे दिया हुआ है एक और संख्या, जो बैग को इंद्रधनुष कहा जाए, इंद्रधनुष को आकाश किया जाए, तो किताबें ले जाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो किताब आप किस में रखते हैं, थैले में, और इस थैला को हम क्या बोलते हैं, बैग बोलते हैं, तो बैग हो गया, तो बैग बोलते हैं, और बैग को हम क्या यहाँ बोलते हैं, तो इंद्रधनुष बोलते हैं, तो किताब ले जाने के लिए किसको यूज करेंगे हम, इंद्रधनुष को, समझिए रीजनिंग, बाकी में आप कंसेप्ट में नहीं जाइए, जो आपका प्रश्न का आंसर है उसको देना है, तो बैग ले किताब ले जाने के लिए बैग यूज करते हैं, और बैग को हम इंद्रधनुष कहते हैं, तो आंसर हमारा इंद्रधनुष है। अगले प्रश्न में है, इंदिरा गांधी मेमोरियल ड्यूलिप गार्डन कहाँ है, तो ये सब लोग जानते हैं श्रीनगर होना चाहिए, तो आंसर क्या है, बिल्कुल श्रीनगर है, इंदिरा गांधी ड्यूलिप मेमोरियल। उसके बाद अगले नंबर प्रश्न हमारे पास है 18 नंबर, इसको बढ़ते क्रम में करना है, थोड़ी सी मेहनत की बात है, तो ध्यान दीजिएगा 3/7 सबसे कम है इसमें, बिल्कुल सिंपल सी दिख रही है, 3 को अगर 7 से भागा देंगे आप तो आधा से भी नीचे आ जाएगा, जबकि 11 को 7 से भागा देंगे या 41 को 63 को देंगे या आप 21 को 29 को देंगे तो और कम हो जाएगा, तो इसको आरोही क्रम में हमें बढ़ा सजाना है, तो आरोही क्रम में सजाइएगा, तो यहाँ पे देखिए सबसे कम, उसके बाद ये बढ़ते क्रम में हो गया, ये बढ़ते क्रम में हो गया, तो राइट आंसर सी दिया हुआ है, लेकिन अगर आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो 300/700 करके देख लीजिएगा, दिखने से में फ़र्क हो जाएगा, 1100/1700 दिखने से ही फ़र्क हो गया, देखिए 1100-1700 के बीच में 600 का डिफरेंस है, और यहाँ देखिए कितने, मात्र 400 का डिफरेंस है, अंदाज़ा लग जाता है इससे, 4100 और 6300 का देखिए, तो ये भी संख्या बढ़ रहा है, डिफरेंस भी बढ़ रहा है, यानी 2200 बढ़ रहा है, जो आधा से ज़्यादा है तो इसकी संख्या का वैल्यू ज़्यादा होगा, उसी तरह सब में देखेंगे तो आपका रिजल्ट करीब करीब मिल जाएगा, तो आंसर इसको करके देख सकते हैं, कोई भी कर सकता है इस प्रश्न को। अगले प्रश्न में चलिएगा, अगला प्रश्न आपके पास कह रहा है
निम्नलिखित में कौन सा धातु परधातु मिश्रण का गठन करती है जब उसे किसी धातु में मिश्रित किया जाए। अल्मोनियम को मिश्रित कीजिएगा, कोई आंसर नहीं पड़ेगा। सोना में रिएक्शन होता ही नहीं है, चांदी में भी बहुत कम होता है। तो एक ही धातु बनता है पारा, जिसे क्या बोलते हैं मरकरी, जिसको किसी धातु के साथ मिलाएंगे तो ये क्या करेगा, रिएक्शन करेगा और उसके साथ मिश्रित करने पर एक उप धातु का निर्माण कर देगा। तो राइट आंसर डी है। उसके बाद अगले पास हमारे पास है आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है। तो अब तो मुझसे कुछ पूछेगा तो मैं तो अमरावती बोलूँगा, लेकिन यहाँ पे अमरावती आंसर नहीं था, हैदराबाद था। क्योंकि जब आंध्र प्रदेश की राजधानी पूछी गई है 2016 में, उस समय आंध्र और तेलंगाना की अमरावती पूरी तरह से क्लियर नहीं थी, तो इसलिए इसका आंसर अभी जो तेलंगाना का है हैदराबाद, उसी को दिया हुआ रहता था। तो ध्यान दीजिएगा, जब आंध्र प्रदेश की अब पूछा जाए तो अमरावती होगी, पहले का हैदराबाद था। तो राइट आंसर यहाँ अभी दिया हुआ है पहले के रूप में ही हैदराबाद में। तो अब चलते हैं अगला संख्या 21 नंबर प्रश्न है, जिसमें आपसे मीन पूछ रहा है। मीन, बहुलक और मीडियन बहुत प्रश्न आए हैं NTPC में, तो इसको देख लीजिएगा। तो इसका मीन पूछा है, तो इस मीन में देखिए 10 यहाँ है, 10 यहाँ है, यहाँ 9 है, यहाँ 8 है, यहाँ 7 है और यहाँ 16 है। तो हम एक लाइन में कह दें 9 में से एक जोड़ दीजिएगा तो 10 होगा, 8 में से दो जोड़िएगा तो 10 होगा, 7 में से दो जोड़िएगा तो आपका 10 हो जाएगा। तो कितने हो गए, 6 हो गए, और 6 यहाँ से 16 में से हम घटा देंगे तो 10 हो जाएगा। यानी 1 10, 2 10, 3 10, 4 10, 5 10, 6 10, यानी सब के सब 10 हो गए। तो 10 डिवाइडेड बाई 10 को हम कर देंगे 6 से तो 60 है, और डिवाइडेड बाई आपका 6 तो पूरा 10 ही हो जाएगा। तो या तो आप ऐसे आंसर कर ले, तो मैं शॉर्टकट के लिए बताया कि ये देखने के लिए है कि इसको भी 10 कन्वर्ट में कर दें, इसको भी 10 में कन्वर्ट कर दें तो आंसर हमारा 10 हो गया। नहीं तो अगर दूसरे आप तरीके से चाहते हैं, ट्रेडिशनल तरीके से, यानी टाइम नहीं बचाना है एग्ज़ाम में, तो जोड़िएगा 10 जोड़ 9 जोड़ 8 जोड़ 7 जोड़ 10 जोड़ 16, इतनी संख्या को जोड़िएगा, फिर 6 से डिवाइड कीजिएगा तो आंसर तभी 10 ही आएगा। तो आंसर ऐसे कर ले या वैसे कर ले, आपका आंसर 10 होगा। आंसर आपका आ गया है इसका मीन। उसके बाद अगले नंबर प्रश्न, इस प्रश्न को थोड़ी से आपको फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी कंसेप्ट को, लेकिन मैं डायरेक्ट बता देता हूँ इसका आंसर आपका दिया हुआ है, जिसको 16 मीटर दिया हुआ है, जिसमें कह रहा है, ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को, इसमें कह रहा है कि एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 3:1 है और इसका आयतन इतना है, तो इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो कमरे की बात कर रहा है ये कमरे में, तो ये कमरा नहीं होके तो बदल गया है इसका शेप, इसकी लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और साथ में ऊंचाई भी है, तो ये कमरा घनाभ घन की तरह बदल गया है। क्या क्या निकालना है, घनाभ का आयतन से आप निकालेंगे, 3:2 रेशियो के अनुपात में इसको फॉर्मूले में लगा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 16 मीटर। तो चलिए इसको टाइम के समझते हुए इसको छोड़ते हैं, अगले प्रश्न में है, निम्नलिखित में कंप्यूटर में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है। कीबोर्ड, जिसमें आप ABCD टाइप करते हैं, ये क्या है आपका इनपुट डिवाइस है। माउस क्या है, आप सेलेक्ट करते हैं कमरे को, इसमें आप कर्जर अप डाउन करने का और राइट लेफ्ट क्लिक करते हैं, बिल्कुल इनपुट डिवाइस है। स्कैनर से भी आप किसी पैकेट पे लिखे हुए बार कोड को पढ़ते हैं या कुछ और पढ़ लेते हैं, ये भी इनपुट डिवाइस है। लेकिन मॉनिटर क्या है, ये आपका डिस्प्ले डिवाइस है, जिसमें डाटा दिखाया जाता है, यानी मॉनिटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। तो राइट आंसर आपका डी हो गया 23 का। 23 के बाद हम 24 नंबर प्रश्न में चलेंगे। 24 नंबर प्रश्न में देखिएगा, एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए सुनील ने कहा, किसने कहा, सुनील ने कहा, तो उसकी माँ का भाई मेरी माँ के पिता का इकलौता बेटा है। सुनील ने कहा किसको, ध्यान दीजिएगा, सुनील किसके तरफ इशारा करते हुए करता है, एक गर्ल को इशारा कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। सुनील ने कहा उसकी माँ, इसकी माँ कोई भी हो सकता है, ABCD, माँ का भाई, इनका क्या है भाई, माँ का भाई मेरी माँ के पिता, इनके माँ के पिता, इनका माँ के पिता का क्या है, इकलौता बेटा है, माँ के पिता का इकलौता
बेटा है, यानी इस वस्तु में सुनील जिसको बोल रहा है वो अपने आप को डिनोट कर रहा है अपने पिता के टर्म में। यानी इस प्रश्न को थोड़े से और टर्म में देखेंगे तो रेशियो ऐसा बनेगा, सुनील ने कहा गर्ल से इनकी माँ का जो भाई हैं यानी पिता इनके हो गए किसके, इनके माँ की, इनके माँ के पिता। तो इसमें प्रश्न में पूछ रहा है कि एकलौता बेटा और भाई का केवल एक ही बहन है, एक ही बहन है, तो लड़की की माँ और सुनील का क्या रिश्ता है, तो माँ बेटा का क्या रिलेशन होगा। सिंपल सी बात है माँ का, क्योंकि इन्होंने जो रिलेशन को इंडिकेट कर रहा है तो इनकी माँ का पिता, जबकि कह रहा है कि उनकी माँ का भाई का पिता का एकलौता बेटा और कोई नहीं है, एक ही बेटा है, वो बेटा कौन सा है, सुनील है। तो इन दोनों का रिलेशन किस में है, माँ का रिलेशन है। तो ये राइट आंसर आपका सी हो गया। अगले प्रश्न में चलेंगे, अगला प्रश्न नीचे की तरफ देखिएगा, एक प्रश्न है जिसमें चार बक्से से रिलेटेड कह रहा है। इस प्रश्न को आपको सेट करना पड़ेगा, इसमें तीन चार प्रश्न लगातार होंगे, 25 से लेके आगे तक इस प्रश्न का संख्या बढ़ेगा। तो इसमें कह रहा है, इस प्रश्न में कह रहा है नीले नीले हरे काले लाल और सफ़ेद रंग के पांच अलग अलग बॉक्स दिए गए हैं जिनका क्रम बाएं से दाएं की तरफ अनियमित रूप से रखा हुआ है। अब इसमें से पूरी सीक्वेंस बनानी है। पहला सीक्वेंस कहता है कि काला बॉक्स अंतिम सिरे पे नहीं हो सकता। दूसरा सीक्वेंस कहता है सफ़ेद बॉक्स दाएं छोर पे दूसरा है, और तीसरा कह रहा है लाल और काले बीच में दो बॉक्स हैं और नीले और लाल के बीच में एक बॉक्स है। तो इस सीक्वेंस को बनाइएगा तो सबसे पहले आप ऐसे ऐसे कितने डॉट देने हैं, बाएं से दाएं की तरफ है तो पांच डॉट है। पहला कह रहा है सफ़ेद बॉक्स दाएं छोर से दूसरा है, तो वाइट तो आपको क्लियर है दूसरे नंबर पे है, यानी यहाँ पे दाएं है, ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। आपका एक तो मिल गया वाइट, उसके बाद दूसरे नंबर पे आएंगे। दूसरा नंबर आप देखिएगा तो सफ़ेद दाएं छोर से दूसरा है, काला बॉक्स अंतिम किनारे पे नहीं है, काला यहाँ भी नहीं हो सकता और यहाँ भी नहीं हो सकता। अब ध्यान देने वाली बात है तीसरे से, लाल और काले बॉक्स के बीच में दो बॉक्स हैं, लाल और काले के बीच में दो हैं, तो हम अगर कह दें कि रेड यहाँ है और ब्लैक यहाँ है, इसके अलावा कोई पॉसिबल ही नहीं है। बीच में दो बॉक्स है, कौन सा, वाइट है और एक और कोई होगा। अब एक बात बताइए कि लास्ट में यहाँ पे क्या नहीं हो सकता, दोनों किनारे पे आपका काला नहीं हो सकता, तो काला कहाँ हो जाएगा, बीच में आ गया आपका ये किनारे कंडीशन में। अब कह रहा है नीले और लाल, नीला और लाल, तो लाल यहाँ है और नीला कहाँ हो जाएगा, ब्लू यहाँ पे हो जाएगा, दोनों के बीच में एक है वो डब्लू है। अब यहाँ बच गया जो फाइनल संख्या में, ये इस संख्या पे कौन सा आ जाएगा, सबसे किनारे वाले पे, तो यहाँ पे आ जाएगा हरा, क्योंकि हमने ब्लैक का यूज कर लिया, ब्लू का यूज कर लिया, वाइट का यूज कर लिया, रेड का, तो यहाँ पे हरा आ गया। अब सीक्वेंस हमारे पास बन गया हरा काला ब्लू वाइट और रेड। अब इससे रिलेटेड सारे प्रश्न को सोल्व कर देने हैं। पहला प्रश्न कह रहा है सबसे बाएं की तरफ कौन है, तो कौन सा था, हरा सबसे बायां है, क्योंकि हरा के बाद हमारे पास कौन सा सीक्वेंस था, काला, काला के बाद हमारे पास अगले नंबर में कौन है, नीला, और नीला के बाद हमारे पास कौन सा था, उजला वाइट, और सबसे लास्ट में रेड है। तो इस सीक्वेंस में सबसे बाएं तरफ कौन सा है, हरा है, तो हरा का प्रश्न हमारे पास डी में। अगला प्रश्न भी इसी से होगा, इसको सीक्वेंस के लिए याद रखिएगा, हरा काला नीला वाइट रेड अगला हमारे पास प्रश्न है। अगला प्रश्न को इसी से कर देंगे हम, इस प्रश्न को खाली आंसर दे, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, काला बॉक्स बाएं से दूसरा है, बिल्कुल सही है, हरा के बाद क्या है, काला है आपके पास, तो बाएं से दूसरा है, बिल्कुल सही है। दूसरे नंबर पे आप देखिएगा सफ़ेद बॉक्स बाएं से दूसरा है, तो नहीं है, सफ़ेद बॉक्स दाएं से दूसरा है, राइट से दूसरा है। उसके बाद हरा बॉक्स का तीसरा है, ये भी नहीं है, हरा सबसे पहले है, और सफ़ेद बॉक्स बाएं से तीसरा है, तीसरा नहीं है, दूसरा है। तो आंसर कौन सा सही है, पहला, केवल ए आंसर सही है, जिसमें क्या बोला गया है, तो ए आंसर में आपको दिया गया है कि पहला आंसर को आपको सही दिखाना है, काला बॉक्स बाएं से दूसरा है, बिल्कुल राइट आंसर। अगले प्रश्न एक और आएगा आपके पास, इसके बाद 26 के बाद 27 नंबर इसी का प्रश्न है। इस प्रश्न में बोला गया है कि पंक्ति के बीच में कौन सा बॉक्स है,
कौन सा है बताइएगा, हरा, काला, नीला, उजला वाइट और रेड, कौन सा बीच में है? तो उधर इधर दोनों से, इधर दोनों से बीच में कौन सा है? तो नीला है, तो राइट आंसर बी होगा। तो यहाँ पे आप देखिए राइट आंसर बी है। उसके बाद 28 प्रश्न है, 2015 का करंट अफेयर बहुत पुराना है, जिसमें पूछ रहा है वर्ष 2015 का साहित्य का नोबल पुरस्कार किसने जीता। तो बहुत पुराना है लेकिन फिर भी यहाँ देख लीजिए, तो यहाँ पे आपका है स्वेतालाना एस्क्विस, एलेस्क्विस, तो राइट आंसर यहाँ पे भी दिया हुआ है, जो इस समय आपको 2011-19 के प्रस्पेक्ट में प्रश्न नहीं आने वाला। अगले प्रश्न में चलते हैं, नर्मदा का उद्गम स्थान, नर्मदा कहाँ से निकलती है? अमरकंटक, सहाद्री, मैकाल, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ की बात करेंगे तो यहाँ से निकलने वाली नदियाँ तमिलनाडु या केरल में जा सकती है, क्योंकि भारत के दक्षिणी छोर में सबसे अन्नामलाई की पहाड़ियाँ नीलगिरी की पहाड़ियों में होती है। तो नर्मदा आप जानते ही हैं मध्य प्रदेश से होकर बहती है, आपका महाराष्ट्र से लेकर बहती है और गुजरात से होकर बहती है। तो कौन सा हो सकता है? तो यहाँ पे देखिए अमरकंटक की पहाड़ियाँ, तो अमरकंटक की पहाड़ियाँ आपकी सतपुड़ा और बिंदी रेंज, जब आप भारत में पढ़ेंगे तो सतपुड़ा यहाँ से शुरुआत होता है और यहाँ बिंद समाप्त होता है, दोनों के बीच में जहाँ दोनों स्थान मिलता है उस स्थान को बोलते हैं आपका अमरकंटक की पहाड़ियाँ। वहाँ से नर्मदा निकल के आपका गुजरात की और महाराष्ट्र की ओर बहती है। दूसरा नदी की बात करेंगे तो यहाँ से एक नदी निकल के इधर से घूमते हुए आपकी एमपी से निकल के आपका यूपी के पास थोड़ा बहुत कवर करते हुए थोड़ा बिहार की तरफ पढ़ते हुए सोन नदी निकलती है, और तीसरी नदी और अमरकंटक से एक निकलती है जिसको बोलते हैं जोहिला। ये तीन नदियों का नाम आप याद रखिएगा, उद्गम स्थान अमरकंटक की पहाड़ियाँ है, जोहिला, नर्मदा और सोन, ये तीनों नदियों का उद्गम स्थान अमरकंटक है। अगले प्रश्न में चलेंगे, 30 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, जो इस प्रश्न को करने के लिए पूछ रहा है तीन कथन दिया हुआ है, 1, 2, 3, और तय करने के लिए कथनों को नीचे दिए गए उत्तर से पर्याप्त है या नहीं है बताना है। प्रश्न है आयत की लंबाई क्या है, आयत की लंबाई क्या है, इसके लिए क्या दिया हुआ है कथन, आयत की परमाप 80 मीटर है, आसन भुजाओं का जोग कितना है 40 है, एल इंटू बी, एल जोड़ बी बराबर 40 है, और तीसरा आयत की चौड़ाई 10 मीटर है। तो यहाँ पे दिख रहा है केवल 1 पर्याप्त है, बिल्कुल नहीं है, 1 से आप नहीं निकाल सकते इसकी लंबाई कितना है, परिमाप दिया हुआ है लेकिन लंबाई नहीं निकाल सकते हैं। उसके बाद 1 और 2 पर्याप्त है, आसन भुजाओं का जोड़ दिया हुआ है, परिमाप तो दिया हुआ है, परिमाप बराबर 2 एल जोड़ बी होता है बराबर परिमाप, यहाँ ना बी है ना एल है, तो 2 से भी नहीं पता कर सकते, यानी 1 2 से भी नहीं पता कर सकते, 3 से 1 2 3 से पर्याप्त कर सकते हैं, और यहाँ कह रहा है 2 3 1 से पर्याप्त है, कौन सा संख्या सही है वो बताना है आपको। तो यहाँ पे आपको तीनों को लगा देंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे चौड़ाई दे दिया है, यहाँ से आपको आसन भुजाओं का जोड़ मिल जाएगा, लंबाई जोड़ चौड़ाई, और उसके जोड़ में आप दे देंगे आपके पास परिमाप। तो यहाँ से 2 प्रश्न यूज कर सकते हैं, या तो आप 1 2 और 1 को नहीं, 2 के साथ 1 को या 2 के साथ 3 को यूज कर लेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका डी हो जाना चाहिए, तो बिल्कुल सी आंसर दिया हुआ है, सॉरी यहाँ मिस्टेक है, तीसरा पढ़ने में 3 तथा 1 या 2, देखिए में से 1 पर्याप्त है, यहाँ देखिए 2 पहले लिख दिया है, 3 बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आयत की चौड़ाई अगर लंबाई चौड़ाई में बी दिया हुआ है तो बी को 10 मीटर है तो एल निकाल सकते हैं, तो इसलिए आप देख सकते हैं 2 बहुत 3 इम्पोर्टेंट है, 3 के साथ या तो आप 1 यूज कर लीजिए या 2 यूज कर लीजिए, राइट आंसर सी है, बिल्कुल सही, यहाँ पे 3 यहाँ पे देखने मिस्टेक है। उसके बाद हमारे पास 31 नंबर प्रश्न है, रीजनिंग का टिपिकल प्रश्न नहीं, बिल्कुल आसान वाले, जो लोग हमेशा इसे प्रश्न को डिमांड करते हैं, इस प्रश्न में आप देखिएगा तो आपको सिंपल से प्रश्न करना है, एक कोड दिया हुआ है, एक निश्चित कोड को अस्टेयर लिखा हुआ है, जिसका कोड इतना लिखा हुआ है तो MOULD का क्या होगा इसको आपको बताना है।
बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस समझने का इस प्रश्न में हमें थोड़ी सी कंसेप्ट चाहिए। तो इस प्रश्न को हम कैसे कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। 31 नंबर प्रश्न है, तो यहाँ देखिए एस टी ए आर ए ई, ए का वैल्यू एक होता है, ई का वैल्यू 5 होता है, एस का वैल्यू अगर देखने जाएं तो एस का वैल्यू में दिया हुआ है इसमें से एक एस टी आर, एस यू टी आर, इसकी वैल्यू एक दी हुई है। तो इसमें एक और 5 आपको मिल गया, आपका उसके अनुसार से बाकी को सेट करना है। अगर इसी को हम इसी में सेट करना है तो क्या करेंगे, तो आप जानते हैं डी का वैल्यू 4 होता है, एम का वैल्यू लेटर में ए बी सी डी आप पूरी लिखिएगा तो कहानी हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाता है, इसके अनुसार हम डायरेक्ट गिन लें। तो यहाँ पे एम का वैल्यू एल एम, एम का वैल्यू हमारा 13 होता है, एल का वैल्यू 12 होता है, यू का वैल्यू अगर ओ का वैल्यू अगर देखें तो ओ का वैल्यू 15 और यू का करें तो 21, तो 4, 12, 13, 15, 21 ये कौन में है प्रश्न में, उसको आपको ढूंढना है। तो 4 देखिए सभी में है, लेकिन 12, 13 आपको ढूंढना पड़ेगा, 12, 13 किस में है, तो सी में देखिए यहाँ से आपका 12 है, यहाँ से आपका 13 है, उसके बाद 15 वाला एल वाला यहाँ 15 यहाँ दिया हुआ है, यहाँ भी है, और लास्ट में 21 आपकी वैल्यू किसकी है, यू की, तो 21 यहाँ पे है। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ देखिएगा, तो यहाँ पे 4, 12, 13, 15 और 21 इसका कोड है, और ये 21 कोड सी में मौजूद है, 4, 12 उसके बाद 21, 15, 23 राइट आंसर सी बिल्कुल सही है। अगर दूसरे में देखते तो ये कोड आपको कोई ना कोई चेंज मिलता, यहाँ पे देखिए 12 दिया हुआ है, यहाँ पे 11 है, 11 जबकि किसी का कोड नहीं है। उसी तरह दूसरे में अगर बी में मिलाते हैं तो बी में मिलाइएगा तो यहाँ पे लास्ट में 2 दिया हुआ है कोड, 2 किसी के साथ मैच नहीं कर रहा है, वो गड़बड़ है। और तीसरे में भी आपको देखिएगा डबल 2 22 है, 21 के जगह पे 22 है, वो जो गलत है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाता है यहाँ पे। 31 के बाद 32 नंबर प्रश्न, 2016 के बारे में प्रश्न है, पूछ रहा है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का मेजबानी कौन सा शहर करेगा। तो ये पुराना हो चुका है, ऐसे आज के डेट में इसकी इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि करंट अफेयर का प्रश्न हर साल बदलते हैं। तो ये कौन किया था आप जानते ही हैं, ओलंपिक हुआ था रियो डी जेनेरियो, कौन सा, अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में, अभी पिछली बार की ग्रीष्मकाल ओलंपिक हुआ है 2016 का। तो आप चलते हैं इसके बाद आपका 33 नंबर प्रश्न, ये भी एक आपका मैथमेटिक्स वर्क एंड टाइम वाला है, काम से, काम और वर्क से रिलेटेड प्रश्न है, जिसमें 33 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि 32 आदमी 6 घंटे काम करके किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, तो प्रतिदिन 10 घंटे काम करके इस काम को 12 दिनों में समाप्त करने के लिए कितनी आदमियों का काम लगेगा। तो सबसे पहले यहाँ देखिएगा, पहले घंटा बढ़ रहा है, पहले 6 घंटा करते थे, अब 10 घंटा, 4 घंटा इंक्रीज हो रहा है, पहले 10 दिन में करते थे लोग तो अब करना है 12 दिन में, ये भी इंक्रीज हो रहा है। यानी सिंपल रेशियो का अनुपात में अपना ले तो 32 आदमी 6 घंटा 10 दिन में, तो 10 घंटा × 12 दिनों में कितने आदमी काम करेंगे, तो एक्स को हम यहाँ ला लेंगे तो एक्स हटा दें, तो 10 कैंसिल 10 कैंसिल, 2 6 × 12 और 32 का आधा 16, यानी 16 आदमियों की ज़रूरत पड़ेगी जब काम को 5-6 घंटे के बदले 10 घंटे में और 12 दिनों के बदले 12 दिन में करना है, तो आदमी की संख्या 16 होनी चाहिए, तो बिल्कुल 16 राइट है। 33 के बाद 34 नंबर प्रश्न कह रहा है, 34 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक संख्या दी हुई है 2, 3, 4 A, इसको 9 से विभाजित हो तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या A के स्थान पे कौन सी आनी चाहिए, ये बतानी है। तो हम जानते हैं 9 से किसी संख्या को हमें डिवीजन करना है, x, y, z, a, f, तो इसमें क्या होनी चाहिए, इतने सारे अंकों का क्या होना चाहिए, जोग किससे डिवाइड होना चाहिए 9 से, तो हम अंकों को जोड़ दें 2, 3, 4 कितना हो जाएगा 3, 2, 5, 4, 9। अब 9 के बाद अगला संख्या जो डिवाइड होगा वो संख्या यहाँ होना चाहिए, तो कह दे कि 9 के बाद अगला संख्या 9 से डिवाइड केवल 9 ही होता है, तो 9 और जोड़ 9 बोलेंगे तो
तो 18 हो जाएगा, यानी यहाँ पे 9 लाएंगे तो 18 9 से डिवाइड करेंगे तो दो बार में हो जाएगा। तो यहाँ संख्या क्या आनी चाहिए, एक के जगह पे 9 आनी चाहिए तभी डिवाइड होगा। अगर 2 3 4 5 6 7 कुछ भी रखेंगे 8 तक तो वो डिवाइड नहीं होगा। तो ये आंसर आपको क्लियर हो जाएगा, डी है। उसके बाद हमारे पास है 35 नंबर प्रश्न, जिसमें पूछ रहा है, प्रश्न को आप देखिएगा, एक व्यापारी किसी वस्तु को 50% अधिक मूल्य अंकित कर देता है और उस पर 20% छूट दे देता है, तो छूट की गई व्यापारी की कितने % लाभ मिलेगी वो बताना है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, तीन चीज़ होता है। पहले किसी वस्तु पे कि आपको ध्यान देना है, अंकित मूल होता है, उसके बाद आपका क्या होता है, क्रय मूल होता है, उसके बाद विक्रय मूल होता है। ध्यान दीजिएगा, अंकित मूल हमेशा पहले इसमें डिनोट होता है इस संख्या में। तो इस संख्या में अंकित मूल पहले हमें दिया हुआ है, पहले के टर्म में, तो अंकित मूल कितना ज़्यादा कर दिया है, 50%, यानी 100 रुपये की वस्तु को अंकित मूल करके 150 कर दिया है। और कहता है कि 150 हमारा क्रय मूल है, इस पर आपको 20% छूट दे देंगे, यानी 120 में बेच देंगे, यानी 30 रुपये की तब भी फायदा है। और 30 रुपये के कहें तो 150 पर कितना परसेंट, 100 रुपये में करेगा फ़ायदा, वही तो उसकी प्रॉफिट होगी। तो 30 रुपया यहाँ 50 का 120 में बेच रहा है, यानी बीच में कितना परसेंट का होगा, तो 20% का मतलब आप समझिएगा। सबसे पहले तो उन्होंने 150 अंकित कर दिया और इस पे कह रहे हैं कि 20% आपको हम छूट दे दिए हैं, तो छूट करिएगा तो ये कितना होता है, करीब करीब 30 रुपया, यानी 130 रुपया उस पर बेच दिया 150 रुपये की वस्तु को, जबकि ओरिजिनल उसका रेट कितना था, 100 था, यानी 100 पे उसने 30 रुपये के टर्म में कहें तो यहाँ से 150 माइनस 130 20% की लाभ कमा लिया। अगर उसको परसेंटेज में कैलकुलेट कीजिएगा तो यहाँ 120 करके और अलग तरीके से कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये सिंपल सा मैंने बोला कि यहाँ इसको आपको 20% का ज़्यादा उससे प्रॉफिट ले लिया। अब अगले प्रश्न में चलेंगे, 35 के बाद 36 नंबर में, जिसमें सिंपल सी प्रश्न है आपका, एक टमाटर अमरूद तरबूज और संतरा, पूछ रहा है कि NTPC के एग्ज़ाम में कि इसमें से कौन सा सही है वो बताना है। तो देखिए, टमाटर अमरूद तरबूज और संतरा सभी फल हैं, आंसर भी कह रहा है कि यही है, लेकिन उसके बाद और देखेंगे तो ये सभी लाल रंग के होते हैं, तो टमाटर तो लाल है, तरबूज भी लाल हो सकता है, संतरा पीला होता है, अमरूद हरा होता है, तो दूसरा तो गलत है। तीसरा कह रहा है इनके अंदर सबके अंदर बहुत बड़े बीज होते हैं, तो टमाटर का बीज तो आपको देखने में बहुत छोटा होता है, तो एक जमान नहीं है, भारत के सभी मौसम में मिलते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, तो एक ही सबसे बढ़िया ऑप्शन है, ये सभी फल के श्रेणी में आते हैं, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। उसके बाद अगले प्रश्न में हम चलेंगे, तो अगला प्रश्न हमारे पास है जिसमें हम 37 नंबर की बात करेंगे, भारत के प्रधानमंत्री बनने की आवश्यक न्यूनतम उम्र क्या है। तो प्रधानमंत्री बनने से पहले ध्यान देने वाली बात है, लोग ढूंढते रहते हैं, किताबों में कहीं नहीं लिखा मिलेगा कि प्रधानमंत्री का एज क्या होता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा में अगर कोई व्यक्ति लड़ सकता है जिनका एज कितना होनी चाहिए, 25 साल, और जब 25 साल के लोकसभा के लिए है तो लोकसभा के सदस्य प्रधानमंत्री भी होते हैं, यानी लड़ने की उम्र कितनी होनी चाहिए प्रधानमंत्री बनने के लिए भी, 25 साल कम से कम या इससे ज़्यादा, तो राइट आंसर आपका 37 नंबर। 38 नंबर प्रश्न में देखेंगे, सोनार सब लोग जानते हैं, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, इसका पूरा नाम बताना है सोनार का, तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग भी बोल सकते हैं, तो राइट आंसर आपका 38 का ऐसे ही दिख रहा है क्योंकि ये बार बार प्रश्न पूछा हुआ है। अगला प्रश्न में हम जाएंगे, तो अगला प्रश्न हमारे पास कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है, एक अक्रिय गैस नहीं है उसको आपको बताना है, इनमें से हीलियम, नियोन, रेडॉन और हाइड्रोजन। तो हीलियम, नियोन और रेडॉन, जिसमें 8 बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये परमाणु संख्या आपकी आवर्त सारणी के 18वें वर्ग में उपस्थित होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन तो आपका पहले, हीलियम के बाद हाइड्रोजन, कुछ अलग वर्ग में है,
तो इसको हाइड्रोजन आपका अक्रिय गैस की श्रेणी में नहीं आता है, तो राइट आंसर आपका कौन सा आ जाएगा, डी हो जाएगा। तो ये वर्ग याद रखिएगा, जो भी अक्रिय गैस होता है आवर्त सारणी के 18वें वर्ग में होते हैं। तो यहाँ पे आपका आ गया राइट आंसर डी। उसके बाद एक और बहुत बड़ा प्रश्न है जिसको पढ़ने में भी आपको बहुत टाइम लग जाएगा, जिसमें पूछ रहा है इस प्रश्न को पढ़िए उसके कारण बताना है कि इसका सबसे छोटा सा टाइटल क्या होगा, इसका हेडलाइन क्या होगा इस पैराग्राफ का, वो बताना है। तो कह रहा है जलवायु परिवर्तन में मौसमी परिवर्तन प्रभावित करने से के कारण जल प्रबंधन और वितरण महत्वपूर्ण हो गया है। इन दिनों शहरी क्षेत्र में वर्षा का जल संचयन विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। इसी क्रिया के बाद उपयोग करने के लिए वर्षा का जल संग्रह, देखिए हर जगह जल प्रबंधन, जल संग्रह, वर्षा का जल, शहरी वर्षा का जल भंडारण, भूतल को पुनर्भरण, सब जगह जल संग्रहण है। तो यहाँ पे देखिए पहले ऑप्शन में क्या हुआ है, जलवायु परिवर्तन का प्रतिकूल प्रभाव, जलवायु परिवर्तन का प्रतिकूल प्रभाव का इसमें विशेष ध्यान नहीं है, इसमें ध्यान है कि जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले जल संकट, यानी उसका क्या होगा, वर्षा के जल संचयन की मांग जरूरी है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण हमारा जल संकट की स्थिति उत्पन्न हो रही है। तो सबसे बढ़िया यही आपका इसका होगा, वर्षा जल संचयन की मांग। उसके बाद देखेंगे शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त पानी की भंडार नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते लेकिन कमी है इसलिए ये जरूरी है। तो सभी शहरी क्षेत्र में नहीं हो सकता इसलिए भी ये कट जाएगा। वन भूजल के बनाए जाने रखने के लिए मदद करते हैं, ये ऐसा नहीं है। तो राइट आंसर आपका सी सबसे बेस्ट है, वर्षा जल संचयन समय की मांग इसका टॉपिक हो सकता है। अगले नंबर में प्रश्न चलिएगा 41 नंबर, जिसमें पूछ रहा है ए बराबर 1 बी बराबर 7 तो कट का मीनिंग क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, ए बी सी डी की लेटर आप पढ़ते ही है, तो ए बी सी डी में ए बराबर 1 बी बराबर 2 और ई बराबर 5, तो 5 2 7 उसी तरह कट के माने में पूछना है। तो ये तो सिंपल सी प्रश्न है, इसको तो कोई भी कर देगा। कट को आप सी को क्या बोल देंगे, 3। सी के बारे में आपके पास 3 आ गया, उसके बाद अगर देखेंगे तो सी का 3 आ गया, उसके बाद हमारे पास यू है, तो यू के हम थोड़ी देर पहले ही 21 बोले थे, और टी के मायने अगर देखेंगे तो 20 होता है। तो 20 21 और 3, 20 दूना 40 40 और 1 41 और 3 44, क्या होगा कट का मीनिंग, 44 यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, 44 41 नंबर प्रश्न सोल्व। उसके बाद हमारे पास एक और सारणी दिया हुआ है, इस सारणी का टेबल यानी एनटीपीसी के पूरी एग्जामों में इस टाइप के प्रश्न हमें से पूछे हैं। इसमें पूछ रहा है देखिए, निम्नलिखित सारणी में चार दोस्तों यू के यू वी जी का सोमवार से शुक्रवार तक का सुबह सैर के दौरान तय की गई दूरी किलोमीटर में दर्शाई गई है। निम्नलिखित सारणी के आधार पर आपको निर्धारित करना है कि सारे प्रश्न हमारे इससे 42 43 44 जो भी देगा वो सही हो आपको बताना है। पहला प्रश्न कह रहा है जिसमें 42 नंबर है, जिसमें देखिए यहाँ पे व्यक्ति का नाम है और इधर उनके दिन द्वारा तय की गई डिस्टेंस है जो सुबह में सैर के दौरान किया गया है। तो कह रहा है 5 दिनों में सबसे कम औसत दूरी तय किसने किया। देखिए कम के लिए एक लाइन में देखना है, तो यहाँ देखिए 3, यहाँ 4.5 4 4.5 5, अगर इन सारों को जोड़ेंगे तो के द्वारा तय की गई दूरी को हम एक बार में जोड़ दें, तो के को अगर जोड़ेंगे तो के पूरी दिन को तय करने के लिए कितना टाइम लेगा पूरी दूरी। उसी तरह आप देखेंगे यू 6 5 4 5 4, तो इसके हिसाब से देखिए सबसे कम किसका है, के का है हमें दिख रहा है, क्योंकि यहाँ देखिए 6 है, यहाँ सबसे कम है, यानी एक का 4 है तो दूसरे में यहाँ देखिए ये 5.5 है, ये कम है, ये 5 है, 3.5 है, ये सबसे कम दूरी तय किया है कौन, के ने। तो के का आंसर हम दे दें तो हमारा 42 का आंसर के आ जाएगा, बिल्कुल डायरेक्ट हो जाएगा के। उसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है हमारा इसी से रिलेटेड प्रश्न है, पूछ रहा है सोमवार से शुक्रवार तक किसने अधिकतम दूरी तय की। तो सबसे पहले आप ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन में आपको ऊपर से ही मिल जाएगा कि एक देखिए सबसे पहले यू का देखिए यू की तय की हुई दूरी सबसे ज़्यादा के टर्म में है, उसके बाद नीचे वाले के टर्म में देखिए नीचे वाले की दूरी भी तय में है, तो यू और जे में से दो को आपको चुनना है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका डी दिया हुआ है, जी वाला
देखिए कैसे, यहाँ पाँच, यहाँ एक ज़्यादा है, यहाँ आधा ज़्यादा है, यहाँ आधा ये ज़्यादा है, यानी ये दोनों पार्ट यहाँ न्यूट्रल हो रहे हैं, न्यूट्रल हो जा रहे हैं दोनों का। और यहाँ से देखेंगे तो यहाँ देखिए साढ़े पाँच, यहाँ साढ़े पाँच न्यूट्रल, यहाँ छः, यानी यहाँ दो, यहाँ दो ज़्यादा है और यहाँ एक कम है, यानी सबसे ज़्यादा जी का सफ़र किया हुआ डिस्टेंस ज़्यादा है। अगर ऐसे नहीं करना चाहेंगे तो आप जोड़ सकते हैं इसको, पाँच साढ़े चार, पाँच जोड़ साढ़े पाँच जोड़ छः, तो छः और पाँच ग्यारह, ग्यारह और छः और चार दस, और दस पाँच पंद्रह, ये चलता है। यू बराबर छः पाँच ग्यारह, ग्यारह ग्यारह और छः चार दस, इक्कीस और चार, यहाँ से देखिए छः चार दस, लास्ट से जोड़ लेते हैं, पाँच पंद्रह, पंद्रह और यहाँ से छः चार दस, पच्चीस, और यहाँ से देखिए छः पाँच ग्यारह, ग्यारह पाँच, ग्यारह और पाँच हो गया आपका सोलह, सोलह और साढ़े पाँच और साढ़े पाँच छब्बीस, छब्बीस किलोमीटर द्वारा जी द्वारा और पच्चीस किलोमीटर यू द्वारा। तो जैसे आप लगे तो यहाँ पे आपका आंसर जी है, बिल्कुल देख लीजिएगा। हम तो देख के अंदाज से भी आप लोग को कर सकते हैं, दोनों में से जो पॉसिबल है वो कर ले। अगला प्रश्न भी इसी से रिलेटेड है, इसमें प्रश्न में देखिए पूछा हुआ है कि चारों दोस्तों द्वारा तय की गई अधिकतम दूरी किस दिन थी, सबसे ज़्यादा दूरी कौन दिन चला गया। तो देखिए पहले दिन आप जोड़ेंगे सोमवार को, तो छः चार दस और चार उन्नीस किलोमीटर, यहाँ से देखिएगा तो पाँच साढ़े चार, साढ़े चार कितने हो जाएंगे, नौ, नौ और चार तेरह और पाँच, तेरह और पाँच करेंगे तो अठारह हो जाएगा। और तीसरे दिन करेंगे तो यहाँ से साढ़े चार, नौ तीन बारह, बारह पाँच सत्रह हो जाएगा। गुरुवार को करेंगे तो साढ़े पाँच और साढ़े चार नौ हो गया, नौ और नौ और पाँच चौदह, और चौदह और पाँच चौदह पाँच सत्रह, साढ़े सत्रह हो गया। और शुक्रवार को देखेंगे नौ और छः पंद्रह और पाँच बीस, इक्कीस पॉइंट पाँच किलोमीटर हो रहा है, यानी शुक्रवार को सबसे ज़्यादा चला गया है सबको कॉम्बाइंड करने के बाद। तो ये प्रश्न का आंसर डी हो गया। अगले प्रश्न में चलिएगा, अगले प्रश्न 45 नंबर है, जिसमें पूछ रहा है, ये सिंपल से प्रश्न है, आपको दिख रहा है राजगीर पत्थर पर काम करता है, राजगीर जो पत्थर के काम करने या टाइल लगाने वाले काम को मिस्त्री को क्या बोलते हैं आप, राजगीर, तो लकड़ी पे काम करने वाले मिस्त्री को क्या बोलेंगे, बढ़ी। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, लकड़ी हो जाएगा। फर्नीचर आरा स्टील सबसे रिलेटेड उसका औजार है और बनने वाला सामान है, लेकिन काम किस पे करेगा, लकड़ी पे। जैसा पत्थर पे राजगीर करेगा वैसा लकड़ी पे बढ़ी करेगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ आ गया। उसके बाद 46 नंबर प्रश्न देखिए, 46 नंबर प्रश्न है, तीन संख्याओं का जोगफल 245 है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात दो तीन है और तीसरी और का पाँच आठ है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को आप करने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन हम अगर इसको सिंपल वे में कह दें कि कुछ प्रश्न का आंसर को हम देख लें, जिसमें कह रहा है कि पहली तीन संख्याओं का जोगफल 245 है, पहली संख्या दूसरी संख्या का दो बटा थ्री है, ये भी दिया हुआ है। तो दो बटा थ्री अगर कह दें, पहली संख्या का दूसरी संख्या दो बटा थ्री है, तो इसमें से एक संख्या को आप चूज कर लीजिए। अगर हम मान लेते हैं कि हमारा दूसरी संख्या कितनी है, पचहत्तर है, तो पहली संख्या इसके रेशियो में कितनी होनी चाहिए, पचास, तभी तो ये रेशियो बनेगा। पच्चीस का रेशियो बनेगा तो पच्चीस दूना पचास और पच्चीस दिया पचहत्तर, तो तीसरी संख्या अगर इसके अनुसार हम जोड़ दें और 245 के बराबर हो जाए तो हमें संख्या का आंसर मिल जाए। तो दूसरी संख्या हम इसमें कितना जोड़ेंगे, 50 और 75 को पहले जोड़ देते हैं, तो 50 50 100 125 हो गया है। 125 को हम 245 में से घटा देते हैं, 125 में से 245 को घटा देते हैं, तो पाँच पाँच यहाँ से दो और यहाँ से एक, 120 तीसरी संख्या बन रही है। अब इसमें हम अगर मिलाते हैं तो ये तीसरा अनुपात पाँच और आठ का होना चाहिए, पचहत्तर और 120 का पाँच आठ का अनुपात होना चाहिए। तो उस संख्या के अनुसार से देखेंगे तो आपका बिल्कुल ये सही पाँच आठ का अनुपात मिल जाएगा, यानी पचहत्तर और 120 को लिखिए, यानी यहाँ पे दिया हुआ है, इस आंसर को आप देखिए समझिए। पहली दूसरी संख्या यानी पहली संख्या 50, दूसरी संख्या 75 और तीसरी संख्या 120, तो यहाँ तीसरी संख्या दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात पाँच आठ होनी चाहिए, यानी 75 120 को अनुपात पाँच आठ के रूप में आप देखिए इसको कैसे कर सकते हैं। 15 पच्चे 75 और 15 अट्ठे 120, पाँच आठ का अनुपात है या नहीं है,
बिल्कुल मिस कर गया, तो हमारी पूछ रहा है कि दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या 75 है। इस प्रश्न को मैं इसलिए ऐसा बता रहा हूँ कि अगर आपसे पूछ दिया जाए, यहाँ तो केवल दूसरी संख्या पूछी है, अगर ऐसे नहीं कीजिए, अगर पूछ देगा कि पहली संख्या क्या है तो 50 है, दूसरी संख्या पूछ दिया तो हमारा ये आंसर 75 हो गया, अगर इसी में पूछ देता कि तीसरी संख्या क्या है तो 120 हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, एक प्रश्न ऐसे करना है जिसके एक साथ 3-4 प्रश्न सोल्व हो जाए, इसे बोलते हैं कंसेप्ट। तो हमारा तीनों प्रश्न यहाँ ऐसे अगर पूछ देगा तो तीनों प्रश्न हम एक साथ कर लेंगे। 46 के 47 नंबर प्रश्न में आते हैं, जिसमें पूछ रहा है 20 एड्स दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, और ये ध्यान दीजिएगा हमेशा एक ही होता है, एक ही तारीख को होता है, और एक तारीख याद इस रखने की ज़रूरत है, और दूसरे टर्म में हम एक बार याद रखते हैं, यानी साल के अंतिम मंथ और पहला दिन महीने का, यानी 1 दिसंबर को मनाया जाता है, बिल्कुल इस तरह से याद करते हैं। उसी तरह से एक हिंदी दिवस इसमें आएगा 14 सितंबर का, जिसको हम हिंदी दिवस नहीं याद रख के राजभाषा दिवस के रूप में याद करते हैं, भारत के बाद राष्ट्रभाषा या राजभाषा के रूप में, तो ये भी एक प्रश्न में नीचे आएगा। तो 47 का प्रश्न का आंसर आपका ये हो गया। भारत द्वारा निर्मित, इसरो द्वारा निर्मित, भारत का निर्मित पहला मानव रहित उपग्रह कौन सा था? तो जानते ही हैं, मानव नहीं था, वो आर्यभट्ट ही होगा। रोहिणी भारत द्वारा पहली छोड़ा गया था, लेकिन इसरो द्वारा निर्मित है, तो भारत की तरफ से सबसे पहले कौन सा उपग्रह छोड़ा गया था? रोहिणी, लेकिन ये रूस या दूसरे देशों की सहायता के से छोड़ा गया था, लेकिन यहाँ इसरो जब भी बात होता है इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन का, उसमें सबसे पहला कौन सा है? आर्यभट्ट है, और इसी गलती को बार बार लोग करते हैं। तो भारत का पहला उपग्रह पूछेगा मानव रहित तो कौन सा है? रोहिणी है। अगर भारत द्वारा निर्मित तब कौन सा होगा? आर्यभट्ट होगा, और ये इस बार ग्रुप डी के एग्ज़ाम में भी आया हुआ था, और आपका जेई का एग्ज़ाम में भी आया हुआ है 2019 के प्रश्न में। अगले प्रश्न में चलेंगे, तो अगला प्रश्न हमारे पास है, भारत की राजधानी दिल्ली लाया गया है कहाँ से? कोलकाता से, मद्रास से, बम्बई से, मैसूर से। तो भारत की राजधानी पहले कहाँ थी? कलकत्ता। कब तक? 1911 तक। 1911 को भारत की राजधानी कहाँ शिफ्ट की गई है? न्यू दिल्ली शिफ्ट कर गई है। तो डेट भी याद रखिएगा, बहुत बार बार प्रश्न पूछता है, जितने भी इससे पहले की कहानी है 1911 से, वो दिल्ली से नहीं आपकी कलकत्ता से चलती थी। अगले प्रश्न में चलते हैं, 50 नंबर प्रश्न एक इंग्लिश का है, जिसको सार्थक वे में आपको इसको बनाना है, यानी जंबलिंग ऑफ सेंटेंस पढ़ते हैं ना, कुछ लोग बोलते हैं कि हमें जंबलिंग इंग्लिश का प्रश्न दे दिया, लेकिन ये इंग्लिश का प्रश्न नहीं है दोस्तों, ये रीजनिंग का प्रश्न है, जिसमें आपको जंबलिंग ऑफ सेंटेंस दिया हुआ है, लेकिन इंग्लिश मीडियम में दिया हुआ है। तो पिछली बार लोग एलपी वगैरह वाला में बोले थे कि ग्रुप डी हमारे एलपी के एग्ज़ाम में इंग्लिश सिलेबस में नहीं है, और ये सिलेबस दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पढ़िएगा थोड़ा सा, इसमें बोल रहा है कि सारे सेंटेंस को अरेंज करना है, सबसे पहले कौन होगा, सबसे बाद में कौन होगा, और बीच में कौन होगा। तो देखिए, सबसे पहला शुरुआत ईट से है, तो ईट के बाद इज ही लग सकता है, ध्यान दीजिएगा, किसी भी कंडीशन में। तो क्या कहेंगे? ईट इज आवर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट ऑफ द कंट्री, ये हमारा ड्यूटी है कि हमारे देश में जितने भी जंगल है उसको हम बचाए रखें। तो मीनिंग वर्ड कैसा हो गया इसका, सीक्वेंस देखेंगे तो पहले आ जाएगा 2, उसके बाद 4, उसके बाद 1, उसके बाद 3, यानी 2 4 3 1, कौन सा आंसर होगा? तो आप देखिए, 2 4 3 1, 1 3 है ना, पहले आएगा 1 और लास्ट में 3 आएगा ना। देखिए, इट इज आवर ड्यूटी टू प्रोटेस्ट द फॉरेस्ट ऑफ द कंट्री, पहले 1 फिर 3, तो ये राइट आंसर आपका डी है। तो राइट आंसर आपका डी मिल गया होगा, यहाँ पे बिल्कुल डी सही है। अगला प्रश्न है, ए क्यू के टर्म में दिया हुआ है, और नीचे की तरफ में देखेंगे तो ए प्लस बी के आंसर आता है। ऐसे प्रश्न को हम बस जस्ट इतना ही करते हैं, ए प्लस बी, हो सकता है इसमें और तो कोई टॉपिक लगता है, इसका फिर मीनिंग में आप जाइएगा तो कुछ नीचे और ऊपर वाले डिवाइड हो जाएंगे, लेकिन फाइनल आंसर इसका ए प्लस बी के रूप में आएगा। तो ए प्लस बी हम कर दें तो 40+7+1, यानी 41.7 इसका आंसर कहाँ है?
तो आंसर सी में है, क्योंकि बहुत आंसर और डिफरेंस है, उतना डिफरेंस होगा नहीं, इसलिए मैंने ए प्लस बी किया। नहीं तो अगर यहाँ आंसर ऑप्शन में हमें 40 के बदले 39.7 कर दिया हुआ रहता तो हम मैं ए माइनस बी करता, ज़्यादा यूज नहीं करते ए माइनस बी करते, क्योंकि यहाँ पे आंसर देखिए 417 है, 4.717 है और 444.7 है, यानी 41.7 सबसे राइट आंसर है। तो इसमें हम क्या कंसेप्ट लगाए, सिंपल सी कंसेप्ट एक ही लगा रखते हैं, ऐसे प्रश्न जब भी आता है तो या तो आपका ए प्लस बी ए माइनस बी होता है, और कुछ और अलग तरीके से प्रश्न आते हैं तो 2AB वाले भी आते हैं और 4A वाले बी बी वाले भी आते हैं। इस टाइप का जो कंसेप्ट है, जो आपका शुरू में मैथमेटिक्स में बीजगणित में जो आपका ए प्लस बी के होल स्क्वायर वाले जितने भी सूत्र हैं ना, उसके ये लास्ट रिजल्ट है, तो ये रिजल्ट आपको पता होना चाहिए थोड़ी सी कंसेप्ट में। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है इंटरनेट से संबंधित, इन ये भी आपका करंट अफेयर उस समय का है जो अभी लॉजिक में नहीं रह गया है, जिसमें पूछ रहा है इंटरनेट की किस दिग्गज कंपनी द्वारा तेलंगाना के ग्रामीण सेल्फ हेल्प ग्रुप SHC को सशक्त बनाने के लिए अपने उत्पादों को ऑनलाइन प्रचार करने के लिए अभियान के द्वारा शुरुआत की है। तो ये फेसबुक के द्वारा किया गया था, पहले का था 2015-16 की घटना है, अब 2019 के लिए बहुत पुरानी हो चुकी है, तो करंट अफेयर का तो टॉपिक है नहीं। अब अगले प्रश्न में चलेंगे, अगला प्रश्न हमारे पास 53 नंबर आएगा। 53 नंबर प्रश्न में देखिए, इस संख्या में अगली संख्या को आपसे पूछ रहा है, 53 नंबर प्रश्न में अगली संख्या बताइए इसमें कौन सा होगा। 53 नंबर प्रश्न जिसमें पूछ रहा है, देखिए संख्या को, पहला संख्या है 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, यानी तीन, यहाँ तीन से गुना किया हुआ है संख्या में, लेकिन एक और सीरीज है 4 4 16, 16 4 64, और 64 का आपको 4 से गुना कर देंगे तो ये संख्या आ जाएगा 256। तो अगला सीरीज क्या है, तो 256 आपका आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं, अगला प्रश्न हमारे पास एक लाइन में है, आंसर भी देख लीजिएगा बी है ना, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है 54 नंबर प्रश्न, कह रहा है 54 नंबर प्रश्न को एक बार एडजस्ट कर लूँ, हाँ चलिए, कह रहा है आदि विनय 2 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिक गति से चला होता तो 4 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए 10 मिनट कम समय लेता, तो विनय द्वारा चली गई दूरी की गति प्राप्त बताना है, गति के रूप में कितने गति से चलता, तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चलता, 4 किलोमीटर तो 10 मिनट, यानी इसको अगर सिंपल वे में कहें, इस प्रश्न को एक लाइन में अगर हम सिंपल करें तो 2 और 4 करने के दूरी कितने, 6 किलोमीटर के लिए 10 मिनट का समय बचा रहा है, तो 60 किलोमीटर के रहेगा तो ये पूरा रेशियो क्या हो जाएगा, तो देख सकते हैं 10 का रेशियो यानी 60/6 किलोमीटर का एवरेज 6 ही रहेगा, यानी 6 किलोमीटर के डिस्टेंस को प्रति घंटा चलने के लिए वो 4 किलोमीटर दूरी तय करता है, जब 2 किलोमीटर और ज़्यादा स्पीड से चलेगा तो 10 मिनट का समय बचेगा, अगर ये पूरे 60 मिनट चलता तो कितनी दूरी क्या करता, 6 किलोमीटर करता, बस सिंपल रेशियो यही है कहने का, प्रश्न थोड़ा सा टेढ़ा किया हुआ है। अगले प्रश्न में चलेंगे 55 नंबर में, तो 55 नंबर आप देखिए प्रश्न को, हमारे वातावरण में नाइट्रोजन की प्रतिशत क्या है, सब लोग जानते हैं कोई प्रश्न है नहीं, तो नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0% कुछ ऐसा, तो 78 और 71, 21 क्या है ऑक्सीजन है O2 और ये है नाइट्रोजन, तो हमारे पास 55 नंबर सोल्व। 56 नंबर फिर से मैथमेटिक्स, जिसमें कह रहा है कि एक व्यक्ति एक यात्रा को पहले 200 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर अगले 200 किलोमीटर की दूरी 70 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है तो 400 किलोमीटर में औसत दूरी क्या होगी, तो हम बिना फार्मूला के सिंपल सी वर्ड में चल दें, तो सिंपल में कह दें पहले 200 किलोमीटर दूरी किससे चला है, 50 किलोमीटर से, यानी 4 घंटे तक ये चला है, दूसरा 200 किलोमीटर 70 के हिसाब से चला है, यानी इसको कह दें तो 20/7 घंटे तक इन्होंने चला है, इसको 20/7 को करेंगे तो 2.16 किलोमीटर आवर,
यानी पहला 4 घंटा और दूसरा 2.16 मिनट 8.6 आवर दोनों को जोड़ देंगे तो 6 घंटा 86 आवर तक कह दे सकते हैं, 86 मिनट है यहाँ पे, मिनट के रूप में हम डायरेक्ट रख रहे हैं, घंटा में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, इतना घंटा तक ऐसे इन्होंने डायरेक्ट चला है। अब इतने चलने के लिए इन्होंने कितनी दूरी किया, पहले 200 फिर 200 यानी टोटल 400 को हम अगर घंटा से डिवाइड कर दें 6.86 से तो टोटल आ जाएगा 58.30 किलोमीटर पर आवर। तो ये आंसर है कहीं क्या, तो है डी में आंसर आपका मौजूद है, इसको आप कटिंग करके देख लेना, आपका आंसर आ जाएगा आपके पास। अगले प्रश्न में चलते हैं, अगला प्रश्न हमारे पास है जिसका कोई आंसर नहीं मिलेगा। मैंने प्रश्न को बहुत ध्यान से देखा, एक बार कोशिश भी किया हूँ। कह रहा है कि एक वृत्त में 5 लोग ए बी सी डी ई एक दूसरे की तरफ मुँह करके बैठे हैं, ई किनारे में बैठा है। ये पूछ रहा है कि ई किनके किनारे में बैठा हुआ है, किनके बीच में बैठा हुआ है, किनके साइड में बैठा हुआ है, यानी ये किसके बीच में बैठा है। जैसे अगर मान ले ए ई बी ऐसा बता रहा है, ए बी के बीच में ए बैठा है या कहाँ बैठा है, इसके लिए इन्होंने कथन दिया है। बी के बाएं ए और दाएं एक ही व्यक्ति है, बी के बाएं और ए के दाएं दोनों एक ही व्यक्ति है, यानी बी और ए के बीच में कोई एक व्यक्ति एक ही है, लेकिन उसका नाम नहीं बताया है कौन है। तीसरा कह रहा है डी बी के दाएं बैठा हुआ है, डी कह रहा है बी का दाएं बैठा हुआ है इसके अनुसार से, और फाइनली कह रहा है ए ई और सी बीच में बैठा हुआ है, ए किसके, ए और सी के, ए सी के बीच में बैठा हुआ है ए। अब ई पूछ रहा है किसके बीच में बैठा हुआ है, कहीं से आप इस लॉजिक में ढूंढेंगे तो कहीं मिलेगा ही नहीं, तो इसलिए कह सकते हैं तथ्य के लिए अपर्याप्त डाटा दिया हुआ है। ई पूछ रहा है किनके बीच में बैठा हुआ है, लेकिन ई पता ही नहीं कर सकते किनके बीच में बैठा हुआ है, तो ये तीनों डाटा अपर्याप्त है, यानी ये प्रश्न को हम एग्जैक्ट आंसर नहीं निकाल सकते। अगला प्रश्न है 58 नंबर, ये भी रीजनिंग का प्रश्न है, बिल्कुल आसान सा, जिसमें एक सीक्वेंस आपका मेमोरी का दिया हुआ है KDD, इसको एक बार और ऊपर कर लूँ। चलिए इस प्रश्न को देखिए, KDDMFFOAH, तो यहाँ इस स्थान पे क्या आएगा, आगे SLL है, तो ध्यान दीजिएगा K+2M आएगा, उसी तरह D के ऊपर से आप लीजिएगा तो +2 कितना आया DEF, उसी तरह अगला में देखिएगा M को +2 कीजिएगा तो वो आएगा, F के +2 कीजिएगा तो H आएगा, उसी तरह अगले में आप कर दें तो O का +2 कीजिएगा तो क्या आएगा Q आएगा, और H का +2 कीजिएगा तो J आएगा, और फिर H है तो इसके +2 कीजिएगा तो J आएगा, यानी आंसर QJJ आपका राइट आंसर C हो जाएगा। तो इस प्रश्न में श्रृंखला है, दोनों में ऊपर और नीचे +2 +2 हर संख्या में जोड़ देना था। अगला प्रश्न में हम चलेंगे, तो अगला प्रश्न हमारे पास आएगा अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला भारत के प्रथम व्यक्ति, तो सब लोग जानते हैं, ज़्यादा प्रश्न में डिफिकल्टी नहीं है, स्क्वायर लीडर राकेश शर्मा सब लोग जानते हैं, कल्पना चावड़ा का नाम जुड़ा था, सुनीता विलियम्स भी है, रवीश मल्होत्रा का नाम इतना प्रचलित में नहीं है, लेकिन इन्होंने बाद में कल्पना चावड़ा और सुनीता विलियम्स बाद की घटना है। कल्पना चावला तो आपका नासा से संबंधित है, जिनका अंतरिक्ष यान लौटते समय दुर्घटना हो गया था, तो ये सब नासा का है। भारत के लिए पहला कौन है, राकेश शर्मा जी है। कल्पना चावला भारतीय NRI थी, विदेश में रहने वाली भारत की महिला। उसके बाद अगले प्रश्न में चलेंगे, तो अगला प्रश्न हमारे पास है जिसमें 60 नंबर देखेंगे। कह रहा है नीचे के जोड़ों में आपको बताना है कि कौन जोड़ा दूसरे से संबंधित नहीं है, बाकी में संबंध रखता है एक में नहीं रखता है, जैसे पानी बालू, समुद्र झील, अच्छा बुरा, मधुमक्खी बक्स। तो इसमें देखिए पानी बालू का संबंध समुद्र झील से संबंध है, मधुमक्खी बक्स है, अच्छा बुरा दोनों एक का अपोजिट है यानी उल्टा है, तो इसको हम कह सकते हैं इस संबंध में अलग है, तो राइट आंसर C है। और बाकी एक दूसरे से किसी न किसी, जैसे
बॉक्स में मधुमक्खी का छत्ता रहता है। बालू और पानी नदी में हो सकता है, झील और झप दोनों में भी पानी रहता है, तो दोनों का ये आंसर है। अंतिम प्रश्न 61, जिसमें कह रहे हैं भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। स्वतंत्रता का अधिकार, जीने का अधिकार, समानता का अधिकार, देश का रक्षा का अधिकार। तो जानते हैं रक्षा का अधिकार भारत के सेनाओं के प्रति निछावर है। भारत के नागरिक को यह अधिकार जनरली प्रदान नहीं किया गया है। ऐसे कुछ देशों में ऐसा किया गया है प्रोविजन, लेकिन भारत में इसका मौलिक अधिकार से रिलेटेड नहीं है। तो राइट आंसर डी होगा, बाकी है स्वतंत्रता, जीने और समानता का अधिकार प्राप्त है। तो राइट यहाँ डी आपका हो जाएगा। उसके बाद अगले प्रश्न में आयोडीन से कमी होने वाला बीमारी, तो सब लोग जानते हैं इसको बोलते हैं गियोटर, तो गंडमाला जिसको गर्दन में हो जाती है। आयोडीन की कमी यानी नमक, आयोडीन युक्त खाना चाहिए, या ये बहुत प्रश्न आता है, इसे घेंगा रोग भी बोलते हैं कई बार, घेंगा। उसके बाद अगला प्रश्न में हम देखेंगे, तो अगला प्रश्न में हमारे पास नीचे की तरफ जिसमें दो संख्याओं का जोगफल 119 है, उसका एचसीएफ 17 है, एलसीएम 70 है, तो निम्नलिखित संख्याओं का व्युत्क्रम का योग क्या होगा। इस संख्या को प्रश्न को आंसर करने में थोड़ी सी आपको टाइम लगेगी, क्योंकि ये प्रश्न बिल्कुल टिपिकल सा दिया है, लेकिन एक हिंट इसके पीछे छोड़ा हुआ है। इस प्रश्न में हमें एक हिंट दिख रहा है, हिंट से प्रश्न को हम कर सकते हैं। जैसे दिया हुआ है एचसीएफ 17 है, तो कॉमन हाइएस्ट फैक्टर है, तो 17 के गुना कर दीजिएगा 34, 17 के तीन गुना कीजिएगा तो 51, 4 गुना कीजिएगा तो 68, और 5 गुना कीजिएगा 85। अब कह रहा है दोनों संख्याओं का जोगफल 119 है, तो पहली संख्या अगर इसमें से देखिए 51 और 64 को जोड़ दीजिएगा तो ये संख्या 119 होती है। तो एक हिंट मिल गया, पहला संख्या आपका 51 है, दूसरी संख्या 68 है, और इसका 51 68 के अगर एलसीएम भी निकालिएगा तो आपका वो आंसर आ जानी चाहिए। लेकिन इससे बात है कि 119 से हमारा वेरीफाई हो गया जोगफल। अब इस संख्याओं को करा है व्युत्क्रम यानी उल्टा, एक का 51 जोड़ एक का 68, दोनों का अगर निकालेंगे तो आपके पास क्या आना चाहिए, तो ये आ जाएगा संख्या आपका सी के आंसर में दिया हुआ है, तो इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो राइट आंसर है सी 7/170, क्योंकि इसका एलसीएम 170 ऑलरेडी दिया हुआ है। 57-68 का एलसीएम अगर निकालेंगे तो 170 है, और 170 को इससे कैलकुलेट करेंगे तो ऊपर 4 और जोड़ 3, 7/170 आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो राइट आंसर आपका सी है। उसके बाद आपका 64 नंबर प्रश्न है जिसमें पूछ रहा है IBSF विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2015 किसने जीती थी। तो ये बहुत पुराना प्रश्न है, इस प्रश्न का आज के डेट में नहीं है, ये 2015 का है करंट अफेयर। तो कौन आंसर राइट होगा, तो यहाँ पे आंसर आप देख सकते हैं पंकज अडवाणी जी। तो स्नूकर में पंकज अडवाणी का बहुत अच्छा नाम है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर बी हो जाना चाहिए। उसके बाद हमारे पास है प्रश्न संख्या 65, रेंज पूछ रहा है इस संख्या में, रेंज प्रश्न संख्या 65 में है 10, 21, 5, 1, 3, 17, 19, 2 का रेंज क्या है। तो रेंज आप जानते ही हैं, रेंज क्या होता है, पुलिस की रेंज, गाड़ी की रेंज, आपकी रेंज, और यहाँ आपकी संख्या का रेंज। तो सबसे मैक्सिमम अधिकतम संख्या माइनस मिनिमम संख्या यानी कम वाला संख्या। तो अधिकतम संख्या क्या है, 21 है, कम वाला क्या है, 1 है, तो 21 माइनस 1, रेंज क्या होगा इसका, 20। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारे पास आ रहा है जिसमें हम कहते हैं 66 नंबर प्रश्न, एक और जंबलिंग ऑफ सेंटेंस का सवाल है। इसमें आपको फिर से एक जंबलिंग करने के लिए पूछा गया है कि इसको जंबलिंग कीजिए। तो जिसमें आपका पहला दिया हुआ है ही, उसके बाद इन चारों में से पहले का कोड जे है, दूसरे का के है, तीसरे का एल है, और चौथे का एम है, लेकिन इसमें आएगा क्या, ही के बाद क्या आएगा। तो ही के बाद जानते ही हैं, पहले ही हम देखें ई जाएगा, ही इज आल्सो, बट ही इज आल्सो, तो ध्यान दीजिएगा ही इज आल्सो, एक बार इसको एडजस्ट करके थोड़ा बड़ा कर ले, देखने में साइज ठीक नहीं लग रहा है। हाँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ही इज
आल्सो व्हाट, बट क्या होगा, ही इज आल्सो ओ इज यहाँ भी है, ध्यान दीजिए यही गड़बड़ हो रहा है, ओ सॉरी, यहाँ पे देखिए ही इज रैंकड वन इज ए बैडमिंटन बट इज आल्सो ए पॉपुलर टेनिस प्लेयर, कैसा वर्ड बना, ही इज ए रैंकड नंबर वन इन बैडमिंटन बट इट आल्सो ए पॉपुलर टेनिस प्लेयर, तो पहले सीक्वेंस में कौन आ जाएगा, एम, एम के बाद के बाद एल और एल के बाद लास्ट में जे, ये कहाँ ऑप्शन है, तो एम के एल जे राइट आंसर आपका बी में बनता है, तो प्रश्न आंसर सॉल्व उसके बाद, हाँ आंसर भी बी है, सही है। अगले नंबर प्रश्न में फिर से वैसे ही जंबलिंग वाला, और इससे तीन चार प्रश्न है, तीन प्रश्न दिए हुए हैं, ये प्रश्न आपको छोड़ने वाला नहीं है, आपको एक ग्रुपिंग वाला सवाल, तो इसको प्रैक्टिस अच्छा से कर ले। कह रहा है 100 व्यक्तियों में 35 केवल कॉफ़ी करते हैं पसंद, कौन, 35। दूसरे नंबर पे 40 केवल टी करते हैं पसंद, तीसरे नंबर पे टी एंड कॉफ़ी दोनों, देखिएगा। तो हमारे पास ये बी नंबर प्रश्न हो गया, तो प्रश्न को आप देख लिए, सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है, अरुणाचल प्रदेश का है, ये प्रश्न आप देख लीजिएगा, सबसे किसका है, तो जनसंख्या घनत्व सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का है। इससे पहले वाले आंसर हमने देखा था कि हमारा इसको सोल्व करने पे हमें आंसर कितना मिला था, -1, 73 नंबर का प्रश्न, तो -1। तो उसके बाद हम अगले प्रश्न में 74, 74, 75वें नंबर पे चलेंगे, तो 75 नंबर प्रश्न हमें कह रहा है, जिसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है, वो बताना है आपको, कीटों का अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, मकड़ियों से संबंधित उस प्रश्न को आंसर को आपको बताना है, तो 75 नंबर प्रश्न में देखिएगा। तो 75 नंबर प्रश्न हमारे पास बिल्कुल बिल्कुल सही सही प्रश्न है, तो इसमें देखिए एंथ्रोपोलॉजी, आपने नाम सुना होगा, एंथ्रोपोलॉजी यानी एंथ्रो किससे संबंधित था, मानव से, होमोसिपिशियंस वगैरह वगैरह, एपियोलॉजी आप समझते ही है, इसके बारे में मधुमक्खियों की अध्ययन करते हैं और ख़ास करके जो हनी देती है मध वाली मधुमक्खी, और साइनोलॉजी इसको पढ़ते हैं कुत्तों यानी डोगों का अध्ययन, तो एक ही बत्ता है आर्कोनोलॉजी जिसको बोलते हैं मकड़ियों का अध्ययन, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या है, आर्कोनोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी मानव का, एपियोलॉजी मधुमक्खी या बी से रिलेटेड, साइनोलॉजी कुत्तों से अध्ययन या उससे संबंधित अध्ययन को करना बोलते हैं। तो चार प्रश्न एक साथ हो गए 75 में, और चार प्रश्न के पहले भी एक ऊपर में आया था जिसमें अभी एक पूछा गया था ऐसा ही, तो यहाँ पे 4, 2, 6 की हमने बात कर ली है। अगला प्रश्न पूछ रहा है 1 किलोमीटर का कितना 0.1 मिलीमीटर होता है, तो सबसे पहले में मिलीमीटर में हम क्या जानते हैं, 10^-3, और किलोमीटर में कितना होता है, 10^3, तो 1 किलोमीटर को आप जब लिखने जाएंगे तो 1000 लिखेंगे और मिलीमीटर के टर्म में लिखेंगे तो 1000 और जुड़ जाएगा, यानी 3 जीरो यहाँ से, 3 जीरो यहाँ से, 6 जीरो माइनस में चला जाएगा, और 6 जीरो माइनस में जाने वाले संख्या एक ही है, देखिए यहाँ से दशमलव के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो राइट आंसर ये है, बिल्कुल है, बाकी में यहाँ देखिए 5 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, 3 पॉसिबल जब होता जब 1 किलोमीटर को मीटर में बदलना है, तो 1 मीटर मिलीमीटर सब सारा कन्वर्ट करके आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र को दिया जाता है भारत के लिए, 1935 से शुरू हो, बहुत पहले से ही चल रहा है मान लीजिए, लेकिन दादा साहब फाल्के सिनेमा भारतीय फिल्म से रिलेटेड जितने भी अवार्ड है वो दादा साहब फाल्के के नाम पे जाता है, तो राइट आंसर बी होगा। 67 के बाद 68 नंबर प्रश्न, इस प्रश्न को थोड़ा सोल्व करना है, साइन डी बराबर 3.5 दिया हुआ है, तो साइन प्लस कॉस स्क्वायर का आपको मान ज्ञात करना है, तो इसको ज्ञात कीजिएगा, तो इसको हम आंसर यूज कर लेते हैं, सोल्व नहीं करते हैं थोड़ा सा, तो इसमें हम आपका आंसर आ गया है, देखिए 49/25 यानी 3^3 करके जैसे भी हो उसका आंसर आपको सोल्व कर लेना चाहिए, मुझसे ये त्रिकोणमिति छोड़ देता हूँ। उसके बाद अगले प्रश्न में पूछा गया है
एक प्रश्न है जिसमें रीजनिंग कम मैथमेटिक्स है। 4515 भागा 17.5 बराबर 258 है, तो 45.15 भागा 1.75 को क्या होगा। तो इस प्रश्न को ऐसे करते हैं आप, 15 डिवाइडेड बाई 17.5। अब इसके बराबर में हम लिख देते हैं 45.15, ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न को, 45.15 डिवाइडेड बाई 1.75। यहाँ देखिए दशमलव के बाद पॉइंट का केवल एक अंतर था। अब इसको इसको कंपेरिजन करेंगे तो देखिए यहाँ दशमलव के बाद दो पॉइंट है, दो अंक आपके बाद में दिए हुए हैं और नीचे में दो अंक दिए हुए हैं, यानी यहाँ से एक ज़्यादा है और यहाँ दो ज़्यादा है। इसको एक और दो को डिवाइड कीजिएगा तो एक दशमलव को पॉइंट और हटेगा, यानी पहले 258 आंसर था तो इसमें हम एक दशमलव यहाँ पे लगा दें तो कितना आंसर होना चाहिए, 25.8 आंसर है, बिल्कुल आंसर है। हम कुछ प्रश्न को सोल्व नहीं करने जा रहे हैं, बस हम दशमलव के पॉइंट को काउंट करके इस प्रश्न को हल कर लेंगे। तो हमारा यहाँ में और यहाँ में दोनों में ऊपर भी दो पॉइंट है, नीचे भी दो पॉइंट है, पहले ऊपर एक भी पॉइंट नहीं आया था, नीचे एक पॉइंट था, यानी यहाँ रेशियो 1 पॉइंट का था, यहाँ भी रेशियो ऊपर में 1 का है, यानी ऊपर में हमने एक लगा दिया, तो हमारा आंसर 25.8 आ चुका है। अगले प्रश्न में चलेंगे, जैसे पूछ रहा है कुत्ता चित्रकारी पुस्तक मोमबत्ती का संबंध निम्नलिखित में किससे है। तो ये 80 नंबर प्रश्न है जिसमें कह रहा है इनमें कोई समानता नहीं है, इनकी सभी गणनीय संज्ञाएं हैं और ये सभी निर्जीव हैं, सभी सजीव है। तो देखिएगा कुत्ता अगर सजीव है तो यहाँ सजीव सभी नहीं है क्योंकि पुस्तक निर्जीव है, यहाँ निर्जीव यहाँ पुस्तक है तो यहाँ सजीव कुत्ता है, तो ये दोनों तो ऐसे कैंसिल, इनमें कोई समानता नहीं है। क्यों नहीं समानता है, क्योंकि ये सारे एक जैसे हैं, बिल्कुल है, क्योंकि इनको सभी का नाम संज्ञा है, संज्ञा एक वस्तु, एक वस्त्रकार, एक वाकार, किसी भी प्रकार का एक आर्टिकल हो सकता है। तो राइट आंसर क्या होगा, बी, ये सभी गणनीय संज्ञा हैं। संज्ञा मतलब संज्ञा सर्वनाम, आप समझते हैं हिंदी वाली, वो सब की परिभाषा में पूछ रहा है, तो राइट आंसर बी आपका पास है। 81 नंबर प्रश्न, ये भी बहुत पुराना प्रश्न है, अगर छोड़ भी दिए तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, जिसमें भारत का वैश्विक विनिर्माण हब मेक ऑफ इंडिया के लिए कौन सी दिग्गज वेबसाइट ने बढ़ाने की कोशिश किया था, जिसको इमेज के शुरुआत किया था। तो ये ट्विटर का था, ट्विटर हमारा माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है जिसमें मेक इन इंडिया को बढ़ाने के लिए 2015 में इसको बढ़ावा देने के लिए सामाजिक मीडिया दिग्गज के रूप में काम किया था, तो राइट आंसर यहाँ पर बी है। उसके बाद हमारे पास 81 के बाद 82 नंबर प्रश्न है, जिसमें 82 को देखेंगे तो कह रहा है हिंदी दिवस, इसी को बोल रहे थे राजभाषा दिवस, राजभाषा या राष्ट्रभाषा कब मनाया जाता है, तो पहले ही आपको बता दिए थे 14 सितंबर को मनाया जाता है, हमेशा एवरी ईयर भारत के लिए केवल अवेलेबल है, ये पूरा विश्व का नहीं है, भारत का है। तो ये 82 नंबर आपका प्रश्न हल हो गया। उसके बाद 83 नंबर प्रश्न है जिसमें पूछ रहा है ब्रीथ को हम इतना बोलते हैं, इसी भाषा में हम इसको कंटेंट को क्या बोलेंगे। कितने नंबर प्रश्न है आपके पास, 83 नंबर प्रश्न, तो ध्यान दीजिएगा इसको, प्रश्न को लिखिएगा तो इस प्रश्न को हमें ध्यान देना है, बी प्लस वन क्या होता है, सी आर माइनस वन क्यू, उसके बाद देखिए ई प्लस वन एफ, उसके बाद ए माइनस वन जेड, उसी तरह आपको कॉन्टेन को कर देना है, कॉन्टेन। तो सी प्लस वन, सी को अगर वन से प्लस कीजिएगा तो डी आएगा, वह यहाँ प्लस वन है, यहाँ माइनस वन हो जाएगा, यानी ओ माइनस वन, यानी एन, एन प्लस वन, आपका एन से एन, एन माइनस प्लस वन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा वो। उसके बाद टी माइनस वन एस, ए प्लस वन यानी बी, आई माइनस वन यानी एच, और एन प्लस वन यानी ओ, डी एन ओ एस बी एच ओ, कौन सा आंसर है, डी एन एस, ये पहला वाला बी में आ जाके बीच में एस हो रहा है, यहाँ वो है, राइट आंसर आपका कौन सा है, ए है 83 नंबर का। यानी सीरीज इस प्रकार से है,
कि सीरीज को अगर बनाना है तो पहली संख्या में प्लस वन जोड़ना है, दूसरी में माइनस वन घटा देना है, तीसरी में प्लस वन जोड़ना है, चौथी में माइनस वन कर देना है। इसी तरह सीरीज को ये पूरा करेंगे तो आपका संख्या आ जाएगा डी एन ओ एस बी एच ओ, आपका 83 नंबर। उसके बाद 84 नंबर प्रश्न, बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, एस स्क्वायर प्लस एक्स माइनस बीस एक्स को गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो इसको गुणनखंड ज्ञात करने के लिए इसको फ्रैक्शन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस फोर एक्स माइनस बीस, बिल्कुल आपका यही हैगा। और इसमें से यहाँ से फ्रैक्शन करेंगे तो एक्स प्लस फाइव, और यहाँ से करेंगे तो एक्स और माइनस फोर के टर्म में आंसर आ जाएगा, क्योंकि एक्स प्लस फाइव यहाँ रखने के लिए यहाँ पे आपको फोर रखना है, यहाँ पे एक्स रखना है, तो एक्स माइनस फोर और एक्स प्लस फाइव कौन सा आंसर है, एक्स प्लस फाइव पहले एक्स माइनस फोर बाद में, तो राइट आंसर ए होगा। चलिए ये हो गया। कन्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है बताना है, तो सामने दिख रहा है एमपी में कन्हा राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद हमारे पास 86 नंबर प्रश्न है, 400 रुपये को 20% की ब्याज के दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा, तो आंख बंद करके 160 याद रखिएगा, 4000 का 20% होगा तो 160 रुपया होगा, ये आंसर है। बाकी कैलकुलेशन कर लीजिएगा, पी आर टी वाला फार्मूला लगा के साधारण ब्याज वाला इसके लिए, और उसका पी प्लस वन प्लस आर बटा 100 वाला, ये बिल्कुल सिंपल सा है, ये बार बार प्रश्न पूछता है जिसमें 160 रुपये का अंतर है। चलिए इस प्रश्न को स्किप करते हैं। 87 नंबर प्रश्न, ये भी प्रश्न स्किप करने वाला है, 2015 का जुगल जोड़ी अमेरिकी ओपन में महिला जुगल खिताब किसने जीता था, तो इसमें एक भारत की खिताब जीता था इसलिए पूछा गया था, और वो थी सानिया मिर्जा, तो सानिया मिर्जा का ऑप्शन एक ही जगह मिलेगा इसलिए आंसर ये होगा, और उसके साथ ये मार्टिना हिंगिस और सानिया मिर्जा इस किताब को जीती थी 2015 में, लेकिन आज के डेट में करंट अफेयर ये नहीं है। उसके बाद आज बात करेंगे, 2019 हो चुका है, तो यहाँ पे आपका 88 नंबर प्रश्न देखिए, यदि एक संख्या का 60% दूसरी संख्या का दो तिहाई के बराबर है तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा, तो एक संख्या का 60% यानी 60 और उसके संख्या का 66.1.3 ऐसा यानी 66.5, दोनों का अनुपात क्या होगा, तो कुछ अनुपात ऐसा बनेगा 10:9, पहला वाला संख्या का 60% 10 और दूसरे वाला संख्या का 66% 9, ये आपका 10:A में है। तो इस प्रश्न को ऐसे शॉर्टकट, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला 89 नंबर प्रश्न है जिसमें कह रहा है किसी वस्तु का राजेश ने एक अलमारी को 1200 रुपये में खरीदा और 900 रुपये में बेच दिया, तो हानि का प्रतिशत ज्ञात करना है, तो हानि बराबर देखिए 1200 बटा 900 घटा देंगे तो 300 हो जाएगा, और हानि हमेशा किस पे क्रय होता है, क्रय मूल्य पे होता है, तो क्रय मूल्य से 1200 डिवाइड कर देंगे और प्रतिशत में निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे, कैंसिल कैंसिल, बाकी आप इसको कैंसिल कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 12 × 2 = 24 और 25% की हानि हो रही है, 1200 खरीदने पे 900 बेचने में 25% की हानि हो रही है। तो चलिए अगले प्रश्न में है 90 नंबर, जिसमें संख्या में दिया हुआ है 3 4 5 5 3 6 7 3 5 5 8 का बहुलक और माध्यिका बताएं, मीडियन बताना है आपको, मोड बताना है, तो मोड के लिए तो जानते हैं बहुलक जो सबसे ज़्यादा बार आया है, तो 5 5 5 5 चार बार 5 आया है, तो बहुलक तो आपका क्या हो गया, मोड क्या हो गया, 5 हो गया, लेकिन इसमें माध्यिका के बारे में पूछ रहा है, तो 5 यहाँ भी है 5 यहाँ भी है 5 दो जगह है, ए और सी में आपका 5 है, लेकिन मीडियम के बारे में पूछा गया है, तो मीडियम क्या करते हैं, जितनी संख्या दी हुई है तो संख्या 11 + 1 डिवाइडेड बाई कितनी संख्या का टर्म में 2 में डिवाइड करते हैं, यानी 11 × 12 = 2 बराबर संख्या 6 वाला संख्या आपको निकालना है, इसमें छठा संख्या, तो यहाँ पर आप छठा संख्या देखेंगे इस प्रश्न में, तो देखिए 2 2 4 1 5 इधर से 5 ये, तो संख्या क्या होनी चाहिए थी, मीडियन 6 होनी चाहिए थी, लेकिन इस प्रश्न में 6 कहीं नहीं दिया हुआ है, यानी हमारा बहुलक तो मिल गया 5 और मीडियन मिल रहा है 6, तो आंसर 5 और 6 होना चाहिए, यहाँ दिया हुआ है 5 और 5, तो आंसर क्या है, ये है, इस हिसाब से अगर ऐसे देखें तो 5 और 6 आंसर होनी चाहिए थी। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं, 91 नंबर, जिसमें पूछ रहा है भारत के कुछ भागों में मिट्टी का रंग लाल होने के कारण क्या है,
वो बताना है आपको। तो बिल्कुल जानते ही हैं, मैग्नीशियम की मौजूदगी, फास्फोट की मौजूदगी, फेरस ऑक्साइड और खाद मिट्टी का प्रयोग। तो सब लोग जानते हैं फेरस ऑक्साइड की मौजूदगी के कारण मिट्टी का रंग लाल होता है, लाल रेंगूर मिट्टी। तो यहाँ पे फेरस ऑक्साइड राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास 91 के बाद 92 नंबर प्रश्न है, जिसमें पूछ रहा है कंप्यूटर की मेमोरी में सबसे बड़ा साइज कौन सा है, पेंटाबाइट, वोटाबाइट, टेराबाइट, गीगाबाइट। तो हम तो गीगाबाइट से जीबी से ऊपर गए नहीं अभी तक, लेकिन जीबी के बाद क्या होता है, टेरा होता है, टेरा के बाद पेटा होता है, पेटा के बाद ओटा होता है। तो याद रखिए जी टी पी वाई। तो सबसे बड़ा कौन सा है, योटाबाइट। तो अभी तक हम इस युग में गए नहीं हैं, जाएंगे कुछ सालों बाद। अभी तो हम जीबी में ही चला लेते हैं, 2 GB, 10 GB, 40 GB जो भी है, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हम जाएंगे फिर अभी टेराबाइट में, फिर पेंटाबाइट में जाएंगे, फिर योगाबाइट में, योटाबाइट में जाएंगे। तो राइट आंसर आपका बी हो गया। उसके बाद हम 93 नंबर प्रश्न में जाएंगे। 93 नंबर प्रश्न में एक बैग में 25, 10 और 5 के थैले 1, 2, 3 अनुपात में रखे हुए हैं, उसका कुल मूल्य 180 रुपया है, उसमें से 10 पैसे के सिक्कों को बताना है। तो बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, ज़्यादा इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक गलती इस प्रश्न को सोल्व करने में बहुत लोग करते हैं। तो इस गलती को सोल्व कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पैसा में दिया हुआ है, यहाँ रुपया में दिया हुआ है 180। तो 180 रुपये को सबसे पहले आपको पैसे में कन्वर्ट करना है, तो इसमें 100 से और जोड़ दीजिएगा, कितना जोड़ दीजिएगा, 20, यानी 180 पे 20 और जोड़ देना है। और उसका रेशियो क्या दिया हुआ है, 1, 2, 3, 4। तो x बराबर मान ले इसको, तो x प्लस 2x प्लस 3x सभी पैसों का अनुपात बराबर कितना, 180 नहीं लिखना है आपको, 180 के साथ 20 देना है, क्योंकि ये पैसा है तो ये भी पैसा होना चाहिए। तो 3 × 5 = 6x डिवाइडेड बाई इतना, तो इसको कीजिएगा तो 6 से काटिएगा यहाँ पे, तो 6 × 3 = 18, ये कितना आएगा, 3। 10 पैसे का है तो 10 का 100 होगा, सॉरी यहाँ पे 10 के टर्म में कीजिएगा तो 180 को 100 में करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 6, 300 आ जाएगा। यहाँ पे 20 नहीं होगा, 100 एक ही जीरो बढ़ेगा, 1 रुपया में 10 पैसा तो यहाँ दिया हुआ है, 1 पैसा नहीं, 10 पैसा 5 पैसा ऐसा टर्म में दिया हुआ है। तो इसको आपको करना है 180 का गुना 10 में, तो ये हो गया 300, यानी x बराबर 300 है। और पूछ रहा है आपसे किसके बराबर, 2 बराबर, यानी 10 पैसे के सिक्के बराबर। तो एक 300 गुना 2 बराबर कितना होगा, 600 हो जाएगा। तो 600 सिक्के किसके हैं, आपके 10 पैसे की। अगर पूछता कि 5 पैसे के सिक्के कितने हैं, तो ये 3 अनुपात में है, तो 300 गुना 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 900 सिक्के किसके हैं, आपके 5 पैसे के। अगर पूछता आपसे कि 25 पैसे के सिक्के कितने हैं, तो 300 हैं। तो 300, 600, 900, 300, 25 पैसे के, 600 10 पैसे के, और 900 आपके 5 पैसे की, और टोटल जुड़ेगा तो आपका 180 रुपये हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है 94 नंबर। इस प्रश्न को थोड़ा सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। एक आयत की लंबाई चौड़ाई क्रम सा, यानी लंबाई को 15% बढ़ा देते हैं, चौड़ाई को 10% कम कर देते हैं, तो आयत का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बदल जाएगा। इस प्रश्न को हम ऐसे करते थे, x + y + x + y डिवाइडेड बाई 100, जहाँ पे x बढ़ने और y घटने की है। तो x कितना परसेंट, 10% बढ़ गया है, y -10% घट गया है, ये 15% बढ़ गया है। तो 15 पहले लिख दे, और यहाँ पे 15 के बाद प्लस था लेकिन यहाँ माइनस है, तो 15 - 10 और यहाँ से जोड़ दें तो यहाँ पे 15 आ जाएगा, लेकिन ये माइनस में रहेगा, तब माइनस में 10 गुना में आ जाएगा, तो ये -150 इसको कर देगा। तो 15 में से 10 कीजिएगा तो 5, और यहाँ डिवाइडेड बाई 100 है यहाँ लास्ट वाले पे, तो 5 यहाँ से -150 डिवाइडेड बाई 100, तो 100 इसको काटिएगा तो ये अगर 15 को 10 से भागा देंगे तो 1.5 होगा, यानी 5 - 1.5 बराबर 3.5% का चेंज हो जाएगा। किस में, आपकी जब लंबाई 10% बढ़ा देंगे
और चौड़ाई को 10% कम कर देंगे तो 3.5% तभी भी बढ़ जाएगा। यहाँ दिख रहा है कि 15 बढ़ाए हैं, 10 बढ़ाए हैं, 5 का अंतर होगा, लेकिन ये वाला टर्म घट जाएगा जिसके कारण से 3.5% की बढ़ोतरी स्टील रह जाएगी। अगले प्रश्न में चलेंगे। 95 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, भारत का महिला हॉकी टीम का कप्तान कौन है? रानी रामपाल, रितु रानी, सूरज लता देवी और सुशीला चानू। तो उस समय का रितु रानी जी हुआ करते थे, तो उस समय का आंसर है, लेकिन यह प्रश्न में अब चेंज हो जाएगा, तो आपके प्रश्न के हिसाब से देख लीजिएगा। यह 2015-16 की बात किया गया है, तो ये करंट अफेयर इस समय के लिए वैलिड नहीं है। अगर भारत महिला हॉकी का नाम पूछेगा तो उसको आपको इस समय का देना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास 96 नंबर प्रश्न है, अजय जयराम निम्नलिखित में किस खेल के भारत का प्रतिनिधित्व करता है वो बताना है। तो देखिए, शूटिंग, भारोत्तोलन, टेबल टेनिस, बैडमिंटन। तो जयराम जी का नाम बैडमिंटन से जुड़ा हुआ है। उसके बाद हमारे पास 97 नंबर प्रश्न है, 97 नंबर प्रश्न पूछ रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर क्वांटिटी है? स्केलर और वेक्टर आप जानते हैं, तो वेक्टर मात्रा के बात में पूछ रहा है। तो समय, तापमान, दूरी और वेग, जिसमें वेक्टर में क्या होता है, दिशा और परिणाम दोनों होता है। किसमें है? वेग में होता है केवल, दूरी तो एक दिशा में होती है, तापमान घटता बढ़ता दोनों है, समय कोई निश्चित नहीं है। तो यहाँ पे वेक्टर के हिसाब से क्या है वेग है वेक्टर क्वांटिटी, बाकी तीनों क्या है, समय, तापमान, दूरी, स्केलर क्वांटिटी है। उसके बाद हमारे पास मिल्की वे ज्योग्राफी का प्रश्न है, क्या है नक्षत्र, ग्रहों की व्यवस्था, आकाश गंगा, चमकता सितारा। तो मिल्की वे क्या है, आकाश गंगा है जो पृथ्वी के बहुत करीब है, तो इसलिए पूछा जाता है आकाशगंगा। और एक आकाशगंगा क्या होता है, करोड़ों और मिलियन तारा का समूह है। क्या है? तारा का समूह है, जिसे मिल्की वे के नाम से जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न 99 नंबर, बहुत अच्छा सा और डिफिकल्ट था और लंबा प्रश्न। कह रहा है कि एक बगीचे में आम, सागौन, नीम, नारंगी, नारियल और ताड़ के बहुत पेड़ लगे हैं। आम का पेड़ 7 मीटर है, मैंगो का पेड़ क्या है 7 मीटर है, नारंगी का पेड़ आम का पेड़ का आधा है, नारंगी का पेड़ आम का पेड़ का आधा है यानी 3.5 मीटर है, और नारियल का पेड़ आम के पेड़ से 3 गुना ज़्यादा है। तो नारियल जो होता है कोकोनट, ये 3 गुना लंबा है, तो 7 गुना 3 21 मीटर है। ये तीनों की लंबाई दी हुई है, आप बता रहा है कि दोनों कथन में से बताइए। कह रहा है तीनों पेड़ की औसत लंबाई 10 मीटर से कम है। अब देखिए 3.5 को 21 को जोड़िएगा तो 7 3 10 और 31 31.5 हो रहा है। 31.5 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 10 से ऊपर जाएगा, तो पहला कथन गलत है, 10 मीटर से कम नहीं, तीनों की लंबाई 10 मीटर से ज़्यादा है एवरेज में। उसके बाद कह रहा है बगीचे में सबसे ऊंचा पेड़ नारियल है, तो नारियल कोकोनट के पेड़ के बाद इन्होंने 21 मीटर किया है। कुछ लोग बोल देंगे कि ये तीनों में तो सबसे लंबा है, लेकिन ध्यान देने वाली बात है उसी में ताड़ की भी पेड़ है, नीम की भी पेड़ है, सागौन की भी पेड़ है, ये सारे पेड़ हो सकता है ये नारियल के पेड़ से लंबे हो, तो ये भी कथन गलत है, पूरी तरह से आप सही नहीं कर सकते क्योंकि 3 का लंबाई दिया हुआ है, बाकी का नहीं दिया हुआ है। तो इनमें से कोई सी कथन आपको सही सपोर्ट नहीं करता है, तो क्या हो जाएगा, दोनों नॉट हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ भी देख लीजिए, इसमें कह रहा है ना तो 1 सही है ना तो 2 सही है, कोई नहीं सही है। अगला प्रश्न 100 नंबर और वीडियो का आखिरी प्रश्न और बिल्कुल लगातार। तो यहाँ पे पहला प्रश्न में पूछ रहा है, इस श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी बताना है। 100 के बाद 115, 100 खाली स्थान, 150, 170, 185, कौन आएगा आपको बताना है। तो इस टाइप की श्रृंखला डबल श्रृंखला है, 100 100 प्लस 15 कितना होता है 115, 115 और प्लस कितना 20, 135, 135 और 15 150, और 150 और 20 170 और 120 और 170 और 15 185, यानी एक श्रृंखला में पहले 20 15 पल 20 फिर 15
फिर भी इस तरह से जोड़ते हुए श्रृंखला है तो कह दे कि पहला श्रृंखला 100 में 15 जोड़ देंगे तो 115 हो गया, 115 में 20 जोड़ देंगे तो 135 हो गया, वही हमारा 135 आंसर है। वेरीफाई करने के लिए देखेंगे 135 में फिर से 15 जोड़ देंगे तो आपका 150 आ जाएगा, 150 में आप फिर से 20 जोड़िएगा 170, फिर से 15 185, यानी सीक्वेंस बढ़ते रह रहा है। अगर कह देता कि हमसे 185 के बाद क्या होता तो 185 के बाद आप क्या कहते, इसमें 185 में क्या जोड़ते, 20 जोड़ते तो हो जाता ये 205। तो इस तरह से सीक्वेंस बढ़ते जाएगा, 205 के बाद पूछ देता तो आप क्या करते, 15 जोड़ते तो 220 हो जाता, फिर जोड़ना होता तो 20 जोड़ते तो यानी 240 हो जाता, इस तरह से सीक्वेंस बढ़ते जाएगा। तो राइट आंसर आपका क्या है, ये 315। तो कैसा लगा छोटा सा प्रयास, लंबा हुआ वीडियो, और कह सकते हैं कि हमने 9 अगस्त के बारे में बात किया था, 9 अप्रैल के बारे में, जहाँ पे यहाँ पे एक थोड़ी सी मिस्टेक थी, ये सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम था, सेकंड नहीं थर्ड शिफ्ट का एग्जामिनेशन था। तो ये सारे वीडियो का रेलवे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जहाँ से आप जितने भी सीरीज है, ये 27 NTPC एग्ज़ाम हो, रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम, सारे एग्जामों के लिए क्वेश्चन आपको हिंदी में GS GM मैथमेटिक्स और रीजनिंग का है। थैंक यू, धन्यवाद।